आज की सभा में उपस्थित हिसार के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, आज इस सभा में उपस्थित हिसार कृषि विश्वविद्यालय के परम सम्माननीय वाइस चांसलर श्री डॉक्टर के एस खोखर जी, उनके सहयोगी डॉक्टर एस एस पाहुजा जी, मेरे भारत स्वाभिमान के सहयोगी भाई ईश जी, मेरे भारत स्वाभिमान के सहयोगी भाई मदन जी, हमारे भारत स्वाभिमान के सम्माननीय संरक्षक महोदय श्री सुभाष जी, अन्य सभी पदाधिकारी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने ये सुंदर व्यवस्था की है और मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिला है। मैं भारत स्वाभिमान के विषय में और आज के हमारे भारत की व्यवस्थाओं की जो समस्याएं हैं उस संदर्भ में आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। भारत स्वाभिमान नाम का अभियान परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने 5 जनवरी 2009 से शुरू किया। इस अभियान में सारे देश में मेरे जैसे करीब 2,40,000 योग शिक्षक तन मन धन से लगे हुए हैं और अगले 4 से 5 वर्षों में 11 लाख से ज्यादा योग शिक्षक तन मन धन से इस अभियान में लग जाएंगे, इसकी पूरी कोशिश और तैयारी चल रही है। आपके जैसे 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम भारत स्वाभिमान का सदस्य बनाएंगे अगले 4 वर्षों में, इसका हमारा संकल्प है। और भारत के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का आशीर्वाद इस अभियान में हमें मिलेगा, ऐसा हमारा संकल्प है। आपके मन में सवाल आएगा कि इतना बड़ा संगठन बनाने की जरूरत क्या? जब हमें आजादी नहीं मिली थी 1947 के पहले अंग्रेजों का शासन था, उस समय कोई बहुत बड़ा संगठन बनाना और फिर देश की आजादी की लड़ाई लड़ना वो तो समझ में आता है, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में चलती थी और उन अंग्रेजों को मार के भगाना था तो बहुत बड़ा संगठन चाहिए था। इसलिए आजादी के पहले महात्मा गांधी ने जो संगठन बनाया था उसमें 1,24,00,000 से ज्यादा कार्यकर्ता थे। आजादी के बाद इतना बड़ा संगठन बनाना जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा सदस्य हों और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का सहयोग और समर्थन हो, इसकी जरूरत क्या है? क्यों हम ये कर रहे हैं? क्या जरूरत है? उद्देश्य हमारा क्या है? लक्ष्य हमारा क्या है? इन सब प्रश्नों पर मैं आपसे संवाद करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे जो बात कहूं वो ये कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने तो मूल रूप से योग और प्राणायाम का अभियान शुरू किया और वो अभियान सारे देश में और दुनिया में चल पड़ा। इस योग और प्राणायाम को अभियान करने के पीछे भी एक गंभीर कारण है। कारण ये है कि भारत आजाद हो गया, 63 साल आजादी के हो गए, लेकिन अभी भी हमारे देश में चिकित्सा की सुविधाएं सब व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। हमारे देश की सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम है परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय। ये स्वास्थ्य मंत्रालय हर साल भारत देश की परिस्थिति जो चिकित्सा की है उसके बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पिछली बार की इनकी जो रिपोर्ट आई 2008 में वो मैंने पढ़ी, तो उस रिपोर्ट से पता चला कि सारे देश में करीब 115 करोड़ लोगों की जनसंख्या है और 77 करोड़ लोग गंभीर रोगों के शिकार हैं। हमारी भारत सरकार का कहना है कि बहुत गंभीर बीमारियों के शिकार 77 करोड़ लोग हैं, छोटी मोटी बीमारियों की तो वो गिनती ही नहीं करते। गंभीर बीमारियां कैसी? जैसे 5 करोड़ भारतवासियों को इस समय डायबिटीज है और सरकार का ये कहना है कि अगले 4-5 वर्षों में और 5 करोड़ लोगों को हो जाएगी। ये इतने लोगों को डायबिटीज हो गई है हमारे देश में जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बीमारी तो सामान्य रूप से यूरोप और अमेरिका के लोगों को होती है, लेकिन अब भारत में भी बहुत तेजी से फैल रही है। और इस बीमारी के बारे में सबसे खराब सत्य है वो ये कि इसका इलाज नहीं है।
जिंदगी भर आप इंसुलिन खाते रहिए और इंसुलिन खाते खाते अपनी दोनों किडनी गंवाते रहिए, लीवर खराब कराते रहिए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सारे डॉक्टर ये कहते हैं कि ये डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है। हेलो, एक खराब शब्द से इस डायबिटीज को आजकल संबोधित किया जाता है, साइलेंट किलर, चुपचाप मार देने वाली बीमारी। इस बीमारी की एक ऐसी खास विशेषता है वो ये कि अगर ये किसी व्यक्ति को हो गई तो उसको जब कोई दूसरी बीमारी होगी तो पता ही नहीं चलेगा। मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं, मेरे साथ हुई। मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, बेंगलोर से दिल्ली आ रहा था, और मेरे साथ मेरा एक मित्र था, उसको डायबिटीज थी। हम दोनों साथ में बेंगलोर स्टेशन पे चढ़े। मेरी बर्थ नीचे की थी, लोअर बर्थ थी और उसकी अपर बर्थ थी। वो ऊपर बर्थ पे जाके सो गया, मैं नीचे सो गया। रात को 2:30-3 बजे के आसपास मैं एक बार उठा पेशाबादी के लिए और जाके फिर वापस सो गया। और दोबारा जब मैं सोया जाकर और सवेरे उठा तो मेरे मित्र को मैंने उठाया, उसको हिलाया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पूरा का पूरा नीचे आके गिर गया और मैंने देखा कि वो मर चुका था। उसको हमने तुरंत स्टेशन पे उतारा, उतार के ले गए नजदीक के हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है सवेरे 2:30-3 बजे के बीच में। कारण डेथ का उन्होंने कहा इसको भयंकर हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट। तो मैंने कहा भैया कार्डियक अरेस्ट हुआ तो ये कुछ बोलता चिल्लाता चीखता ऐसे ही हो गया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, डायबिटीज के पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी होता है तो उसको थोड़ा भी दर्द नहीं होता, वो चुपचाप मर जाता है, बता भी नहीं सकता। इतनी खतरनाक बीमारी है ये डायबिटीज। और दुर्भाग्य ये है कि इसका इलाज नहीं है। इसको मैनेज किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है, इसको क्योर करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही हमारे देश में 4.5 करोड़ लोगों को हृदय की बीमारियां हैं और इन 4.5 करोड़ लोगों को अक्सर हार्ट अटैक आते रहते हैं और लाखों लोग साल भर में मरते रहते हैं। हार्ट अटैक के बारे में हमारे देश में जो ट्रीटमेंट है वो ये कि एंजियोप्लास्टी या तो कराया जाए, आपका ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी कराई जाए, ओपन हार्ट सर्जरी कराई जाए, और ये तीनों ही ऑपरेशन परमानेंट क्योर नहीं है। एंजियोप्लास्टी में तो मैंने देखा है कि सवेरे किसी की एंजियोप्लास्टी हुई हो और शाम को दोबारा अटैक आ गया। होता क्या है एंजियोप्लास्टी में, आपके हृदय को खून देने वाली या आपके हृदय से खून लेकर शरीर में लाने वाली जो वाहिकाएं हैं, इनमें कहीं अवरोध आ जाता है और उस अवरोध को मिटाने के लिए एक स्प्रिंग डाल देते हैं जिसको वो स्टंट कहते हैं। वो स्प्रिंग वैसी ही होती है जैसे बॉल पेन में स्प्रिंग आपने देखी होगी। ये स्प्रिंग को डाला जाता है तो ये तो छोटी सी होती है, तो जहां ये डाली गई है उतने बीच का अवरोध तो हटा देती है, लेकिन उसके आगे और पीछे अवरोध आ जाता है और फिर अटैक हो जाता है। माने वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। बाईपास सर्जरी करें तो उसमें क्या है कि जो वाहिका है उसके पैरेलल एक दूसरी वाहिका लगा देते हैं, लेकिन अगर आपके खून में अवरोध बनाने की टेंडेंसी है तो दोबारा फिर अटैक आएगा आपको, इसलिए ये भी इलाज नहीं। और एक गंभीर बीमारी हमारे देश में है इस समय, लोगों को 12 करोड़ लोगों को आंखों के रोग हैं और आंखों से दिखता नहीं है, बिल्कुल कम दिखता है, रात में नहीं दिखता है, अंतर पता नहीं कर सकते हैं, और इनके लिए भी मुश्किल से ही कोई इलाज मिल पाता है। फिर 17 करोड़ लोगों को घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधों का दर्द है, जिसमें आपको पेन किलर दे देते हैं, दर्द निवारक औषधि दे देते हैं, जब तक आप खाते रहिए तब तक दर्द दवा रहेगा, जैसे ही औषधि बंद की दर्द फिर शुरू हो जाता है, उसमें इलाज नहीं है। करीब करीब 14 करोड़ लोगों को दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है इस देश में,
और वो भी बड़ी बुरी स्थिति में है, उसमें भी क्योर जैसी स्थिति नहीं। 20 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों को हाइपरटेंशन है, माने ब्लड प्रेशर हाई है उनका, और उनको डॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी भर दवा खाओ। अरे जिंदगी भर तो भोजन किया जाता है, दवाएं थोड़ी खाई जाती है। लेकिन जिंदगी भर दवा खाने का माने चिकित्सा नहीं है उसकी आपके पास। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाइपोटेंशन है, माने लो ब्लड प्रेशर है, और ऐसी लंबी लिस्ट है भारत सरकार की। इसमें सबसे खराब जो मुझे कहना है वो ये, 8 करोड़ लोगों को कैंसर है और इनमें से 24 लाख लोग हर साल मर जाते हैं इस देश में। और आप जानते हैं कैंसर का कोई इलाज नहीं है हमारे देश में। तो ऐसी गंभीर बीमारियों में देश के 77 करोड़ लोग फंसे हुए और इनके इलाज की पूरी सुविधा और व्यवस्था नहीं है। हमारे देश की सरकार को एक बार मैंने प्रश्न किया था कि ये 77 करोड़ लोगों का इलाज करने के लिए सरकार की व्यवस्था क्या है, तो पता चला केंद्र सरकार और भारत के 33 राज्यों की राज्य सरकार, इन 33 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं चंडीगढ़ जैसे, तो 33 राज्यों की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर 25 लाख चिकित्सक अभी तक तैयार किए हैं, जो बहुत ही अपर्याप्त है, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। अगर 25 लाख चिकित्सक ईमानदारी से एक दिन में 100 मरीजों को देखें तो 2.5 से 3 करोड़ का ही इलाज कर सकते हैं और बीमार 77 करोड़। और एक गंभीर हमारे देश में समस्या है वो ये कि इलाज करने का खर्चा बहुत अधिक होता जा रहा है, दवाएं बहुत महंगी होती जा रही है। मैं तो इस काम में लगा हूं पिछले कई वर्षों से, तो बाजार में अक्सर मैं सर्वेक्षण करता रहता हूं। 1991 के पहले हमारे देश में जो दवाएं 50 पैसे में उपलब्ध थी बाजार में, आज उनकी कीमत 50 रुपए से अधिक हो चुकी है। कैंसर जैसे मर्ज का इलाज करने में 1991 से पहले जो 10-15 हजार रुपए से 30-35 हजार का खर्च होता था, आज उस कैंसर की दवाओं का खर्चा 1.5-2 लाख रुपए तक पहुंच गया। दवाएं बहुत महंगी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना, एंजियोप्लास्टी होती है जिसमें स्टंट आपके शरीर में डाला जाता है, वो स्टंट का खर्चा बनाने का मात्र 10 रुपए आता है, लेकिन जब ऑपरेशन के साथ आपको वो डाला जाता है तो बिल 1.5-2 लाख रुपए से 2.5-3 लाख कुछ भी हो सकता है। कई चिकित्सालयों में तो मैंने देखा है कि डॉक्टर बार्गेन करते, बेंगलोर में, दिल्ली में, मद्रास में, हैदराबाद, सिकंदराबाद में जब हम जाते हैं किसी मरीज को लेकर, तो डॉक्टर कहते हैं जी 2.5 लाख लगेगा, तो कहते हैं भैया मरीज को ले जा रहे हैं किसी दूसरी जगह, फिर कहते हैं नहीं नहीं 2 लाख में हो जाएगा, फिर कहते हैं नहीं नहीं 1.5 लाख में हो जाएगा, और घिसते घिसाते 70-75 हजार पे ऑपरेशन कर देते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे गाजर मूली खरीद रहे हैं हम वहां जाके, मूल भाव होता है। और कई हॉस्पिटल्स ने पैकेज देना शुरू किया है, एक पर एक फ्री ले लो, ये ऑपरेशन करा लो तो ये फ्री कर देंगे, और ये करा लो तो ये फ्री कर देंगे, 2 मरीज ले आओ तो आपको फ्री कर देंगे, 3 ले आओ तो 2 को फ्री कर देंगे। मैंने मजाक बना दिया है पूरी चिकित्सा व्यवस्था को। ऐसी स्थिति है इस देश में। हमारे देश में एक पूर्व राष्ट्रपति रहे जिनका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में एक बड़ा काम किया था जिसके लिए मैं हमेशा उनकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर लगाकर एक सर्वे कराया था कि भारत में कितने लोग हैं जो दवा खरीद कर इलाज करा सकते, तो पता चला कि पूरी आबादी का मात्र 33% लोग हैं जो सिर्फ दवा का खरीद कर इलाज करा सकते। 115 करोड़ की आबादी में सिर्फ 33% लोग इलाज करा सकते, बाकी का सब भगवान भरोसे। और क्यों भगवान भरोसे है, तब पहली बार एक सत्य उद्घाटित हुआ इस देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कारण, वो सत्य पता चला देश को। 84 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन में 20 रुपए से कम है, इसलिए वो तो इलाज करा ही नहीं सकते।
50 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन में 10 रुपए से कम है, उनकी तो संभावना नहीं है दूर दूर तक। 25 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 5 रुपए से कम है, वो तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे इलाज कराने का, इतनी गरीबी। तो गरीबी बहुत ज्यादा, दवाएं बहुत महंगी, चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त, इन सब कारणों से हमारे देश में बड़ी बुरी दुर्दशा है। इस दुर्दशा का क्या समाधान है? तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इसका एक रास्ता निकाला, क्योंकि हम भारत के लोग सारी दुनिया में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हम एक विशेष सभ्यता है, यूनिक सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया में। ये मैंने दुनिया की किसी दूसरी सभ्यता में ये नहीं पढ़ा और ये नहीं सुना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी सभ्यता में ये नहीं। भारत अकेला देश है जो सारी दुनिया में ये बात कहता है, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए हों, किसी को कोई दुख ना हो। तो एक तरफ हमारी महान परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, और दूसरी तरफ इस देश की वर्तमान दुर्दशा चिकित्सा की, जिसमें किसी को इलाज कराने के लिए पैसा ही ना हो, तो दोनों का कैसे समन्वय करें? तो एक बीच का रास्ता निकाला स्वामी जी ने, वो ये कि भारत के हर व्यक्ति को खुद अपनी चिकित्सा करने के लिए तैयार किया जाए, और वो भी बिना किसी शुल्क के और बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दुष्परिणाम के। वही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। आप बोलेंगे जी क्या सरकार सबका उपाय नहीं कर पाएगी चिकित्सा का? एक बार मैंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को ये पूछा था कि भारत के सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए कितना समय लगेगा। तो सरकार के मंत्रालय से उत्तर आया कि भारत के सभी नागरिकों को सब तरह की चिकित्सा सुविधाएं देने में 350 साल लगेंगे। तो मेरे समझ में बात नहीं आई। मैंने दोबारा पूछा मंत्रालय को कि ये क्या मतलब है जो आपने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए बात सीधी सी ये है कि 63 साल आजादी के बाद हमने 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है, तब जाकर 25 लाख डॉक्टर बने हैं, और 63 साल में हम 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो और 25 लाख डॉक्टर बनेंगे, फिर और 63 साल में और 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो और 25 लाख चिकित्सक हो जाएंगे। तो 350 साल में कुल इतने चिकित्सक हो जाएंगे कि हर व्यक्ति का इलाज हो सके। लेकिन नीचे एक वाक्य लिखा हुआ था बोल्ड लेटर्स में, उन्होंने कहा इसमें शर्त यह है कि अगले 350 साल तक एक भी बच्चा पैदा ना हो इस देश। मतलब क्या है? मतलब यह है कि 350 साल तक देश की आबादी ना बढ़े, जिस गति में आज हम बढ़ रहे हैं ये रुक जाए पूरा, उसके बाद सरकार युद्ध स्तर पर लगे, तब 350 साल में सबका इलाज हो जाए। अब ये तो संभव है नहीं कि देश की आबादी ना बढ़े। अगर 350 साल हमारी आबादी नहीं बढ़ी तो बहुत बड़ा खतरा है इस देश की सभ्यता को। दुनिया में ऐसा तो कोई देश नहीं कर सकता। मैंने तो देखा यूरोप में कई देश हैं, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे, वो तो रात दिन आबादी बढ़ाने का अभियान चला रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, सेंट्रल यूरोप के कई देशों में ज्यादा बच्चे पैदा करो इसके लिए इनाम मिलता। हाँ, आपका एक बच्चा है और आप किसी ऑफिस में क्लर्क हैं, दो हो जाए तो आप सीधे सुपरिंटेंडेंट हो जाएंगे ऑफिस के, और तीन बच्चे हो गए तो सेक्शन ऑफिसर हो जाए, चार हो गए तो पता चला डायरेक्टर हो गए उस ऑफिस के आप। जितने ज्यादा बच्चे उतना बड़ा प्रमोशन, और कैश इंसेंटिव अलग से, हजारों यूरो डॉलर में कैश इंसेंटिव देते हैं अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो आपके, क्योंकि उनकी आबादी स्थिर हो गई है, देश के खत्म हो जाने का खतरा पैदा हो गया है, वो खतरा हम नहीं ले सकते इस देश में एक भी बच्चे पैदा ना हो। तो इसका मतलब है सरकार के भरोसे तो सबका इलाज हो नहीं पाएगा।
तब एक ही रास्ता है कि लोगों को उनका इलाज करने के लिए प्रेरित किया जाए और इस इलाज के लिए उनको कुछ ऐसी विद्या सिखाई जाए जिस विद्या का उपयोग करके वो अपने जीवन की बीमारियों को दूर कर ले, परिवार की बीमारियों को दूर कर ले, पड़ोसियों की बीमारियों को दूर कर ले। इसी विद्या का नाम है योग और प्राणायाम और इसी अभियान का नाम है सर्वे भवन्तु सुखिने वाला, योग प्राणायाम का जो परम पूजनीय स्वामी जी ने शुरू कर रखा है। एक ही दृष्टि है उसके पीछे कि सभी लोग स्वस्थ हों। परम पूजनीय स्वामी जी बार बार कहते हैं बीमारी से कोई ना मरे इस देश में, तो कैसे संभव है? हर व्यक्ति योग करे, प्राणायाम करे, बीमारियों को ठीक करे। इस योग और प्राणायाम की विद्या में ये ताकत है कि हर बीमारी को आप खुद से ठीक कर सकते। पिछले कई वर्षों में मैंने देखा कि हजारों लाखों लोग, अब तो करोड़ों में है वो, जिन्होंने अपने 20-20 साल के ब्लड प्रेशर को ठीक किया मात्र 3 महीने के प्राणायाम से। मैंने ऐसे हजारों लाखों लोगों को देखा जिन्होंने अपनी शुगर को ठीक किया मात्र 2-2.5 महीने के प्राणायाम से। मैंने ऐसे लाखों लाखों लोगों को देखा जिन्होंने अपना माइग्रेन ठीक किया, दमा ठीक किया, अस्थमा ठीक किया, ब्रोंकियल अस्थमा ठीक किया, ट्यूबरकुलोसिस ठीक किया 2.5-3-4 महीने के प्राणायाम से। माताओं बहनों को मैंने देखा जिनकी गर्भाशय में 250-250 ग्राम की गांठ थी, ट्यूमर था, उन्होंने वो ट्यूमर गला दिया 6-7 महीने के प्राणायाम से। जिन माताओं के लिए डॉक्टरों ने लिख के दे दिया था कि या तो आप ऑपरेशन कराओ, आपका यूट्रस हटा दो, नहीं तो मरने की तैयारी रखो, उन माताओं ने ऑपरेशन नहीं कराया, प्राणायाम किया। और आज उन डॉक्टरों को लिखना पड़ा कि अब आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ट्यूमर डिसॉल्व हो गया है, गल गया। मैंने देखा हजारों लोगों को जिनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ है, जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती है। ऐसा ब्रेन ट्यूमर जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि हम इसको टच भी नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर के पैरालाइज्ड हो जाने की संभावना है अगर ऑपरेट करने के लिए हमने ये ब्रेन को खोला। ऐसे ट्यूमर को मैंने देखा 6-7 महीने में पूरा खत्म हुआ, गल गया। ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को तो मैंने देखा है इतनी आसानी से ठीक हो रही है योग और प्राणायाम से कि डॉक्टर खुद हैरान है, परेशान है, और अब उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये तो कोई चमत्कार है। मैं पिछले 1 वर्ष से हरिद्वार में रहता हूं, जब खाली समय मिलता है तो बीमार मरीजों के रिकॉर्ड्स देखता रहता हूं, और मैंने देखा है पिछले 1 वर्ष में कैंसर के हजारों मरीज आए हरिद्वार और ठीक होकर वापस गए। ऐसे मरीजों को ठीक होते देखा जो टाटा इंस्टीट्यूट से रिजेक्ट होके आए थे और उनके डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तो 15 दिन की जिंदगी है, घर जाके भगवान का भजन करो। वो 15 दिन की जिंदगी वाले भटकते हुए हरिद्वार पहुंच गए और अब जीवित है, साल भर से ज्यादा हो गया है, दूर दूर तक मरने की संभावना नहीं दिखती उनकी। इसका माने इस योग और प्राणायाम की विद्या में ताकत तो है, और भारत की हर उस विद्या में ताकत है जो हजारों साल पुरानी है। भारत में कोई विद्या तभी चलती है जब उसमें ताकत होती है, नहीं तो वो विद्या डूब जाती है। महर्षि पतंजलि के समय से चली आ रही ये विद्या अभी तक अक्षुण है, जीवित है। ये अलग बात है कि परम पूजनीय स्वामी जी ने इसको घर घर पहुंचाया, विद्या तो पुरानी है हजारों साल की। ये विद्या के जीवित रहने का ही मतलब है कि इसमें ताकत है। जो चीज में ताकत नहीं होती है वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहती है। सालों साल से ये विद्या चली आई है, और अंग्रेजों के गुलामी के समय में जब अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाई इस विद्या को खत्म करने की, तो भी ये विद्या जीवित रह गई। इसका माने इसकी इनर स्ट्रेंथ कुछ है,
और वो इनर स्ट्रेंथ को हम अगर पहचान लें तो हम भी हमारी सब बीमारियों का इलाज खुद कर सकते हैं। हमें डॉक्टर मिले ना मिले, दवा खा पाए ना खा पाए, कोई भी कारण हो कि हम दवा नहीं खा सकते, एक कारण है कि हमको साइड इफेक्ट बहुत होते हो, दूसरा कारण है हमारे पास पैसे ना हो, तीसरा कोई और भी कारण हो सकता है। आप दवा खा पाए ना खा पाए, डॉक्टर आपको मिले ना मिले, सुविधा मिले ना मिले, आप किसी छोटे से स्थान पर बैठकर सांस को लेना और छोड़ना जिसका एक सतत नियम है वो करना शुरू कर दीजिए, आप खुद चमत्कार देखेंगे अपनी बीमारियों को ठीक होते हुए, अपनी परेशानियों को ठीक होते। तो यही एक रास्ता हमको तो दिखता है कि भारत के हर व्यक्ति को स्वस्थ बना दे, निरोगी बना दे, तभी सर्वे भवन्तु सुखिने की बात कह पाएंगे। तो हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए, फिर वो व्यक्ति इस विद्या को परिवार के लोगों को सिखाए, परिवार के लोग स्वस्थ हो जाएं, फिर पड़ोसियों को सिखाए, मोहल्ले के लोग स्वस्थ हो जाएं, फिर गांव पूरा स्वस्थ हो जाए, शहर स्वस्थ हो जाए और देश स्वस्थ हो जाए, तो एक बड़ी क्रांति इस देश में होती है। और उस क्रांति की तरफ बढ़ता हुआ ये अभियान है योग और प्राणायाम का। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करने आया, वो ये कि इस हिसार में हमारे योग प्राणायाम की नियमित कक्षाएं चलती हैं और इन कक्षाओं में आप कभी भी आ सकते हैं। बहनों की अलग कक्षाएं हैं, भाइयों की अलग कक्षाएं, आप आइए और इन कक्षाओं में जुड़ जाइए और इस विद्या को सीख लीजिए, दूसरों को सिखा दीजिए। मैं अंतिम बात इसके बारे में जो कहना चाहता हूं वो ये कि भारत में जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता है मोक्ष की प्राप्ति। हमारे देश में आप कोई भी वेद पढ़ो, कोई उपनिषद पढ़ो, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ो या पुराने कोई भी शास्त्र पढ़ो, हर जगह लिखा हुआ है जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष मिलना बहुत सरल है इस देश में। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो तरीका बताया गया है शास्त्रों में बड़ा अद्भुत है, बहुत सरल है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर उस व्यक्ति को मोक्ष हो सकता है जो अपने जीवन के दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करे। ऐसा माना गया है हमारे देश में कि तीन तरह के दुख हैं जीवन में, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख माने शरीर का दुख, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब दैहिक दुख है। दैविक दुख माने भगवान का दिया हुआ दुख, धरती फट गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये सब दैविक दुख है। और भौतिक दुख माने गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है। तो तीन तरह के दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों दुखों को जो व्यक्ति अपने जीवन से मिटा दे और दूसरों के जीवन से इन्हीं दुखों को मिटाने का काम करे तो उसी व्यक्ति को मोक्ष होता है, ये शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया। माने कोई अगर हमको ये कहे कि मेरे चेले हो जाओ, मेरे शिष्य हो जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष करा दूंगा, इससे बड़ा पाखंड कुछ नहीं। कोई कहे कमंडल लेके हिमालय में चले जाओ और मोक्ष हो जाएगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। तो ना तो हिमालय में जाने से मोक्ष होगा और ना किसी गुरु के चेला बनने से मोक्ष होगा। मोक्ष होने का रास्ता है कि आप अपने जीवन के दुखों को दूर करिए और दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए रात दिन प्रयास करिए, तो पक्का है कि आपको मोक्ष हो जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि मुझे मोक्ष हो जाए और इसलिए हिसार आया। मुझे अगला जन्म नहीं लेना है, ये मेरा आखिरी जन्म हो, दोबारा जन्म लेना ना पड़े, क्योंकि बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है जन्म लेने। तो बार बार के जन्म मरण के बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूं, इसलिए मैं मोक्ष चाहता हूं। लेकिन मेरा मोक्ष आप पर निर्भर है, आपको अगर मोक्ष हुआ तभी मुझे होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। तो मैं चाहता हूं पहले आप सब मोक्ष चले, पीछे पीछे मैं भी आ जाऊं आपके।
और आप मोक्ष जाएं तो उसका तरीका मैंने बताया कि आप अपने दुख दूर कर लो, दैहिक दैविक भौतिक, और दूसरों के दुख दूर कराने के लिए इस योग प्राणायाम की विद्या का प्रचार कर दो, तो आपका मोक्ष पक्का, मेरा भी धीरे पीछे से पक्का। तो आप मोक्ष चलो, पीछे से मैं भी आ जाऊं और स्वर्ग में लगाएंगे अपनी कक्षाएं योग की, और देवताओं को सिखाएंगे सबको से, और करेंगे क्या वहां जाके, क्योंकि कहा गया है कि स्वर्ग में कोई काम ही नहीं है करने के लिए सवेरे से शाम तक, तो एक ही काम करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, साधना करेंगे, धुनी रमाएंगे, गहरे मेडिटेशन में उतर जाएंगे। तो ये बात मैंने मजाक में कही है, लेकिन गंभीर बात है कि आप इसको सीख लो, सीख कर दूसरों को सिखा दो, हमारी कक्षाओं में आ जाओ, क्योंकि कक्षाएं सब निशुल्क चलती हैं, एक पैसा कोई आपसे नहीं लेगा, और इस विद्या को प्रसारित प्रचारित करने में लग जाओ तो मुझे लगता है कि स्वामी जी का सपना जरूर साकार हो जाएगा, और सर्वे भवन्तु सुखिने की जो भावना है भारत की, वो सारी दुनिया के सामने सार्थक हो जाएगी। अब दूसरी बात मुझे कहनी है कि ये तो एक अभियान है योग और प्राणायाम का, जो परम पूजनीय स्वामी जी ने शुरू किया, इसके साथ एक दूसरा अभियान शुरू किया है, उसका नाम है भारत स्वाभिमान। ये भारत स्वाभिमान का अभियान क्या है? ये अभियान है, योग प्राणायाम का अभियान है, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, तो भारत स्वाभिमान का अभियान है कि हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ हो, देश भी स्वस्थ हो। अगर हम स्वस्थ हो गए और हमारा देश बीमार है तो बात बनेगी नहीं, अधूरी रहेगी। ये कुछ ऐसी कहानी है कि हमने हमारा घर साफ कर लिया और घर के बाहर कीचड़ भरा पड़ा है, घर साफ कर लिया, घर के बाहर कूड़ा करकट भरा पड़ा है, तो कितने दिन आप अपने घर में रह सकते हैं शांति से और स्वस्थता से? नहीं रह पाएंगे। हम ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, लेकिन देश बीमार का ही बीमार रहा, तो कैसे संभव है कि हम ज्यादा दिन स्वस्थ रह पाए? तो देश भी स्वस्थ हो, हम भी स्वस्थ हो, नागरिक भी देश के निरोगी हो और देश भी निरोगी हो, तो देश को निरोगी बनाने के लिए अभियान है भारत स्वाभिमान का। आप बोलेंगे देश को क्या बीमारी है? एक दिन मैं आपको बताता हूं, ईमानदारी से मैंने लोगों के बीमारियों की सूची बनाई, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, दमा, अस्थमा, सब लिखता गया लिखता गया लिखता गया, 148 रोगों के बाद वो सूची बंद हो गई। मतलब मनुष्यों को कुल बीमारियां 148 है, आखिरी बीमारी कैंसर है, उसके बाद कोई बीमारी नहीं है, इसमें मैंने HIV एड्स को भी जोड़ लिया। तो मनुष्य जीवन की तो 148 बीमारियां हैं, वो तो अंतिम सूची बन गई, लेकिन देश की बीमारियों की सूची मैंने बनाना शुरू किया, वो अभी तक बन रही है। और रोज उसमें एक नई बीमारी जुड़ रही है। अभी 2-4 दिन से एक नई बीमारी इस देश को हो गई है कि मुंबई में मराठी रहेंगे कि गैर मराठी रहेंगे, मुंबई में हिंदी भाषी रहेंगे कि गैर हिंदी भाषी रहेंगे, और तलवारें खींच रखी हैं कुछ पार्टियों ने कि रहने ही नहीं देंगे इस मुंबई में जो मराठी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुंबई मराठियों की है, मुंबई हमारी है। ये एक नई बीमारी शुरू हो गई इस देश में। कल को कोई कहेगा बेंगलोर में हम रहने ही नहीं देंगे, ये कन्नड़ लोगों की है, कर्नाटक की है। फिर कोई कहेगा मद्रास में रहने नहीं देंगे, ये तो तमिल लोगों का है और तमिलियों की है। फिर कोई कहेगा पांडिचेरी में रहने नहीं देंगे। ऐसी बीमारी सारे देश में फैलती जाएगी, नई नई बीमारियां। इसलिए बीमारियों की देश में कोई कमी नहीं है। फिर भी हमने क्या किया कि जो सबसे गंभीर बीमारियां देश में है, जिनको हम मानते हैं कि इनको तुरंत हल होना चाहिए, क्योंकि इन बीमारियों के रहते देश के अस्तित्व को संकट खड़ा हो गया है, ऐसी बीमारियों की सूची बनाई। एक अच्छा डॉक्टर जो होता है ना, वो आपकी बीमारियों के बारे में जब बात करता है ना, तो सबसे बड़ी बीमारी को पकड़ता है शरीर की, और उसको ठीक कर ले तो बाकी छोटी मोटी बीमारियां तो ठीक हो ही जाती हैं। तो देश की सबसे बड़ी बीमारियों को जब हमने पकड़ने की कोशिश की, तो उसमें पहले नंबर पर है गरीबी, बहुत भयंकर बीमारी है इस देश में। फिर दूसरी है बेरोजगारी, बहुत भयंकर बीमारी है। फिर तीसरी है महंगाई। फिर चौथी है भूखमरी।
फिर पांचवा है भ्रष्टाचार, और ऐसी सूची बनती चली गई। गरीबी के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि भारत में 115 करोड़ लोग, मैंने कहा आपसे थोड़ी देर पहले 84 करोड़ भयंकर गरीब। गरीबी के बारे में सारी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक विशेष अभियान चला रखा है, गरीबी मिटाओ गरीबी हटाओ। तो उस अभियान के तहत हर साल वो सूची बनाते हैं, सबसे दरिद्र देशों की सूची, सबसे गरीब देशों की सूची, महादरिद्र देशों की सूची। तो 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने महादरिद्र देशों की जो सूची बनाई उसमें 88 देश हैं और भारत का नंबर उसमें 70वां है। माने भारत से ज्यादा गरीब देश सिर्फ 18 हैं, हमसे भी कम गरीब देशों में नंबर है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, हमसे भी कम गरीब देशों में नंबर है हैती का, जहां अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया, वो हैती हमसे कम गरीब देश है। आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत उससे भी ज्यादा गरीब है। हमारे देश में और दुनिया में सबसे अमीर देशों की भी सूची बनाते हैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ वाले। तो हर साल मैं ढूंढता रहता हूं कि भारत का नंबर कहीं आ रहा है क्या, नहीं आता। सबसे अमीर देशों में हमेशा एक देश का नाम रहता है स्विट्जरलैंड, और सबसे गरीब देशों में नाम रहता है भारत का। ये स्विट्जरलैंड देश ऐसा है दुनिया में जो कुछ उत्पादन नहीं करता फिर भी सबसे अमीर है। ये स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसमें कुछ व्यापार नहीं होता फिर भी सबसे अमीर है। ये स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां कुछ खेती नहीं होती फिर भी सबसे अमीर है। ना उनके यहाँ उद्योग है, ना उनके यहाँ व्यापार है, ना उनके यहाँ खेती बाड़ी होती है, और फिर भी सबसे अमीर है। विचित्र है, असामान्य बात है ये। तो स्विट्जरलैंड की खेती के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला साल में 8 महीने बर्फ पड़ती है, और जिन खेतों में बर्फ जमा हो जाती है वहां घास का तिनका भी नहीं उगता तो खेती नहीं होती। फिर पता चला कि उनके यहाँ उद्योग इसलिए नहीं है कि खेती नहीं होती, क्योंकि जिस देश में खेत नहीं होते, खेती नहीं होती, वहां कच्चा माल नहीं होता, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो उद्योग नहीं चलेंगे। फिर जहां उद्योग नहीं होंगे और खेती भी नहीं होगी वहां व्यापार किसका होगा, वो खरीदेंगे क्या और बेचेंगे क्या, तो व्यापार भी कुछ खास नहीं है। बहुत साल पहले मैंने सुना था स्विट्जरलैंड में एक फैक्ट्री चला करती थी घड़ी बनाने वाली, राडो, वो भी अभी बंद हो गई थोड़े दिन से। राडो के अधिकारियों को एक बार मैंने ईमेल किया था कि भैया आपकी घड़ी तो बड़ी क्वालिटी वाली थी, स्विस वॉच करके सारी दुनिया में बिकती थी, अब क्यों बंद हो गई। तो उनका भला हो चाइना का, उन्होंने इतनी सस्ती घड़ियां बना के बाजार में डाल दी है कि अब हमारी कोई खरीदता ही नहीं। उस राडो के अधिकारी ने मुझे उत्तर दिया था कि चाइना की घड़ी हमारे देश में किलो के भाव में मिलती है, 1 किलो खरीद लो, 2 किलो खरीद लो। मैं पूछा कितने की, उसने कहा 1 यूरो डॉलर की। 1 यूरो डॉलर माने 56-60 रुपया, उसमें 1 किलो घड़ी मिलती है। राडो कंपनी बंद हो गई। चीन ने ऐसी डंपिंग की है दुनिया के कई देशों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो अब वो भी बंद हो गया, अब तो कुछ उद्योग है ही नहीं, व्यापार कुछ है नहीं और खेती होती नहीं, फिर वो देश सबसे अमीर है। और हमारे भारत में दुनिया की सबसे अच्छी खेती होती है, जो खेती दुनिया में कहीं नहीं होती वो यहां होती है। दुनिया के ज्यादातर देशों में मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 फसल होती है, भारत में 4 फसल होती है। और एक बार मैंने सूची बनाई थी भारत के गांव में क्या क्या होता है। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको भारत की समझ देने में बड़ी मदद करेगी। एक बार एक जर्मन प्रोफेसर से मेरा झगड़ा हुआ था, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा एक जर्मनी के प्रोफेसर से झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात का, वो प्रोफेसर बार बार गाना गा रहा था, मेरा देश बहुत महान, मेरा देश बहुत महान, मेरा देश बहुत महान, मैं रक्त शुद्ध आर्य, मैं रक्त शुद्ध आर्य। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने कहा मेरा भी देश महान,
कहने लगा तुम्हारा देश कैसे महान बनेगा, तुम्हारा देश कैसे महान जर्मनी, जरा बताओ। तो झगड़ा हो गया। अब इस झगड़े का निपटारा करना था। अब ये बुद्धिजीवी लोगों का झगड़ा बड़ा विचित्र होता है, जब तक निपटारा ना हो तब तक उनको चैन नहीं मिलता। सामान्य लोगों का झगड़ा तो हुआ और मिट गया, ये बुद्धिवादी लोगों का झगड़ा बड़ा विचित्र है। तो मुझे नींद ही नहीं आई, जितने दिन कॉन्फ्रेंस में रहा कुल बुलाता रहा कि इससे पूछो कि इसका देश क्यों महान और मैं बताऊं कि मेरा देश क्यों महान। तो दोनों ने मिलके एक फैसला किया कि चलो ठीक है, आपस में बात करेंगे, तुम सवाल पूछो मैं सवाल पूछूं, और जिसके सवाल में उत्तर ज्यादा से ज्यादा ना आएगा नहीं, उसी का देश हारेगा, और जिसके सवालों का जवाब ज्यादा से ज्यादा हाँ आएगा वही जीतेगा, उसी का देश महान। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब हमने अपने अपने सवाल फ्रेम किए, तो वो जर्मन प्रोफेसर ने पहले मुझे कहा कि तुम पूछो मुझसे पहले। तो मैंने कहा चलो पूछता हूं। तो सबसे पहला सवाल मैंने उससे पूछा, तुम्हारे देश में गन्ना होता है? तो उसने कहा नहीं होता, क्योंकि मुझे उसे हराना था ना। तो ऐसे सवाल पूछने थे जिनका उत्तर नहीं आए। मालूम तो मुझे भी है कि जर्मनी में गन्ना नहीं होता। तो मैंने कहा तुम्हारे देश में गन्ना होता है? उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा तुम्हारे देश में केला होता है? उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा तुम्हारे देश में संतरा होता है? उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा तुम्हारे देश में अंगूर होता है? उसने कहा नहीं होता। फिर तुम्हारे देश में लीची होती है? उसने कहा नहीं होती। और ऐसे ऐसे सवाल पूछ के वो परेशान हो गया, बौखला गया, क्योंकि बार बार उत्तर नहीं नहीं नहीं। तो थोड़ी देर में कहता, मिस्टर राजीव दीक्षित, मेरे देश में कोई मीठी चीज पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तो मैंने कहा चलो अब आगे बताओ, तुम्हारे देश में पालक होता है? पालक, अब पालक तो मीठा नहीं है ना। तो मैंने कहा पालक होता? उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा मेथी होती है? मेथी, उसने कहा नहीं होती। मैंने कहा सरसों होती है? सरसों, उसने कहा नहीं होती। फिर मैंने कहा अजवाइन होती है? उसने कहा नहीं होती। फिर थोड़ी देर में बौखला गया। फिर उसने पता है क्या कहा, मिस्टर राजीव दीक्षित, हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती, अब आगे पूछो। अब मैंने देख लिया कि ये पस्त हो गया। अब मैंने कहा मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, तुमने बता ही दिया कि तुम्हारे देश में कुछ नहीं होता, अब तुम ये बता दो कि होता क्या है। नहीं होता तो ये सब है, होता क्या क्या है? उसने कहा एक तो मेरे देश में आलू होता है और दूसरी प्याज होती है, आलू में प्याज मिला के खा लो या प्याज में आलू मिला के खा लो, ये दो ही हमारे पास विकल्प है। मैंने कहा फिर ये जो इतना सब जर्मनी के बाजारों में सजा हुआ दिखाई देता है माल, ये कहां से आता है? तो वो कहता ये तो सब भारत से आता है। मैं पूछा केला कहां से आता है? कहने लगा केरल से आता है, भारत में केरल से आता है। फिर मैं पूछा अंगूर कहां से आता है? भारत में नासिक से आता है। फिर मैंने पूछा ये गन्ना का रस मिलता है टिन पैक, ये कहां से आता है? ये कई जगह से भारत में से आता है। मैंने कहा कौन महान है? फिर भी माना नहीं। कहने लगा मुझे भी प्रश्न पूछने हैं। मैंने कहा पूछ ले भाई, अब तू भी पूछ ले। तो उसने क्या किया, वो फंस गया। फंस क्या गया, मेरे ही सवाल मुझसे पूछने शुरू कर दिए उसने, बौखला गया शायद, और या कोई सवाल समझ में नहीं आए होंगे। उसने उल्टा पूछा भारत में गन्ना होता है? मैंने कहा भैया भारत में उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम शायद ही ऐसा कोई गांव मिले जहां गन्ना नहीं होता, सब जगह होता है। फिर कहने लगा भारत में केला होता है? मैंने कहा हाँ भैया, हजारों किस्म का केला होता है, पीला केला होता है, हरा केला होता है, लाल केला होता है, पतला केला होता है, मोटा केला होता है, केले की कुछ कमी है क्या, इतनी वैरायटी। फिर कहने लगा आम होता है? मैंने कहा हाँ बहुत आम होता है, दिल्ली से लेके हरिद्वार की दूरी मुश्किल से 125 किलोमीटर है, इतनी दूरी में 500 प्रजातियों का आम होता है, दशहरी अलग होता है, फजला अलग होता है, लंगड़ा अलग होता है, चौसा अलग होता है। मैंने कहा तुमने तो एक क्वालिटी का आम देखा खाया, हम तो 500 जाति के आमों के बीच में रहते हैं। कहने लगा अच्छा। मैंने कहा हाँ।
फिर पूछने लगा कि तुम्हारे देश में क्या क्या। मैंने कहा ऐसी कोई चीज तुम बताओ जो हमारे यहाँ नहीं होती, सब होता है। उसको भरोसा नहीं हुआ, उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा अच्छा हमारा फैसला तो बाद में होगा, ये झूठ है या सच है। तुम भारत आ जाओ, आने जाने के टिकट की व्यवस्था मैं कराता हूँ, भारत में आके देखो। आ गया वो भारत और मैंने उसको दो चार गांवों में भेजा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और उसको कहा डायरी लेके जाना, पेन लेके जाना, और हर गांव में जाकर ये नोट करना कि इस गांव में क्या क्या होता है। गेहूं है, चावल है, चना है, दाल है, लिस्ट बनाओ एक एक गांव में क्या क्या होता। वो लिटरली गया, 4 महीने भारत में घूमा, उसने लिस्ट बनाई। अंत में उसने कहा कि भारत में सामान्य रूप से एक एक गांव में 2000 तक चीजें होती हैं, 2000 वस्तुएं पैदा होती। तब मैंने कहा अब बताओ किसका देश महान, तो उसने कहा तुम्हारा देश महान। अब जब वो गया ना, तो मैंने उसके साथ एक मजाक किया। मैंने कहा आप बोलो क्या इरादा है, तो उसने कहा भारत में रहना चाहता हूं। मैंने कहा भारत सरकार से परमिशन ले लो, तो उसने कहा परमिशन तो लूंगा लेकिन ईश्वर से लूंगा, सरकार से नहीं लूंगा। मैं पूछा वो क्या, तो उसने कहा जीसस से कहूंगा, गॉड से कहूंगा कि मुझे अगला जन्म भारत में दे। तब मैंने दूसरा मजाक किया, मैंने कहा तुम्हारा जीसस तो पुनर्जन्म में मानता ही नहीं है, आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म नहीं है, पूर्व जन्म भी नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा जीसस तो मानता ही नहीं पुनर्जन्म में, अब कैसे। तो उसने कहा फिर तुम बताओ। मैंने कहा धर्म बदल लो और हिंदू हो जाओ, फिर मैं गारंटी देता हूं कि हमारा भगवान तुमको बार बार जन्म देगा और इसी जमीन पे देगा। तो उसने कहा मैं सोचूंगा, फिर वो चला गया। मतलब इस पूरी कहानी से मैं समझाना चाहता था वो ये कि भारत के एक एक गांव में हजारों चीजें पैदा होती हैं, फिर इस देश में गरीबी क्यों। अब हमारे देश में गांव में खेती में इतनी तरह की चीजें पैदा होती हैं, इसलिए उद्योग भी हैं इस देश में। आप सुन के आश्चर्य करेंगे, 5 करोड़ 80 लाख उद्योग चलते हैं इस देश में। सबसे छोटे उद्योग जिनको स्मॉल स्केल कहते हैं, फिर मझोले उद्योग, फिर बड़े उद्योग, सब मिलाकर 5 करोड़ 80 लाख इतने उद्योग चलते हैं। फिर व्यापार है, और व्यापार भी सरकार कहती है लाखों करोड़ों रुपए का है, सामान्य नहीं है। तो लाखों करोड़ों का व्यापार, करोड़ों करोड़ों उद्योग, और खेत में इतना सारा पैदा हो इस देश में, तो फिर ये देश गरीब क्यों, ये समझने की बात है। और एक दूसरा देश स्विट्जरलैंड, जहां कोई उद्योग नहीं, कोई व्यापार नहीं, और वो दुनिया का सबसे अमीर देश। तो इस खोज पर हम लोग निकले हैं कि भारत सारे वैभव के बाद भी दुनिया का सबसे गरीब देश क्यों है। भगवान का दिया हुआ इतना वैभव है इस देश में, हम खेत में गेहूं का एक दाना डालते हैं और उसमें से 125 दाने पैदा हो जाते हैं। इतनी अच्छी मिट्टी दुनिया में शायद ही कहीं है। हम एक बाजरा डालते हैं और 1000 बाजरे के दाने पैदा हो जाते हैं। हम एक मकई डालते हैं दाने के रूप में, 100 मकई के दाने पैदा हो जाते हैं। इतनी अच्छी मिट्टी तो कहीं नहीं, और इतनी अच्छी जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में पता है दुनिया भर के विशेषज्ञ क्या कहते हैं। मैं दुनिया भर के विशेषज्ञों से मिलता रहता हूं, तो अक्सर एक मजाक चलती है हम लोगों में, वो ये कि अमेरिका और कनाडा और यूरोप के देशों में 2 या 3 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 16 हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सब तरह की जलवायु इस देश में मिलती है।
भयंकर गर्मी वाली जलवायु देखनी हो तो इस देश में है, भयंकर रेगिस्तानी जलवायु देखनी हो तो इस देश में है, भयंकर बारिश वाली जलवायु देखनी हो तो इस देश में है, भयंकर कीचड़ वाला इलाका देखना हो तो इस देश में है, सूखी हवा का क्षेत्र देखना हो तो इस देश में है, गीली हवा का क्षेत्र देखना हो तो इस देश में है। सारी दुनिया में जो क्लाइमेटिक जोन्स नहीं है वो हमारे पास है, 16 क्लाइमेटिक जोन्स। और इतने मेहनती लोग इस देश में कि सवेरे 6 बजे से खेत में काम करना शुरू करें तो 12-1 बजे ही पीठ सीधी करता है देश का किसान, हल जोतते जोतते जब उसको खाना खाना होता है, और फिर हल जोतने में लग जाता है, शाम 6 बजे तक जोतता रहता है। इतने मेहनती लोग दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे देश के लोगों की मेहनत पता है क्या है? विद मूवमेंट मेहनत है। दुनिया के दूसरे देशों में मैंने देखा है लोग मेहनत करते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं होता शरीर में। मैंने अमेरिका के कारखानों में देखा कि लोग सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम करते हैं 12 घंटे, लेकिन एक ही जगह पर खड़े खड़े या एक ही जगह पर बैठे बैठे। भारत के लोग तो एक ही जगह खड़े खड़े बैठे बैठे काम नहीं करते, मीलों चलते हैं रोज अपने दोनों पांव से। आप में तो मैं देख रहा हूं कि कई किसान भाई बैठे हैं, 1 एकड़ 1 किल्ला खेत को जोतना पड़ता है तो कितने किलोमीटर चलना पड़ता है। इतने मेहनती लोग इस देश। ट्रैक्टर की खेती अभी पूरा देश नहीं करता, बहुत थोड़े से किसान हैं जो ट्रैक्टर चलाते हैं। अभी भी ज्यादा किसान तो इस देश में बैल जोड़ी से ही हल जोतते हैं, और हल जोतने में जितनी मेहनत है शायद ही किसी काम में। तो इतने मेहनती लोग, इतनी अच्छी मिट्टी, इतनी अच्छी जलवायु, खेती इस देश की रत्नगर्भा वसुंधरा, जो एक दाना डालो सैकड़ों पैदा करे। और मैंने तो देखा कि इस देश में कितना वैभव है, जमीन के ऊपर इतना सब होता है, जमीन के नीचे भी बहुत कुछ होता है इस देश। भारत दुनिया का अकेला देश है जहां जमीन के नीचे खुदाई करें तो 90 तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं। यहां कोयला मिलता है, यहां तांबा मिलता है, यहां लोहा मिलता है, यहां पे जिंक मिलता है, यहां पे बॉक्साइट मिलता है। 90 तरह के खनिज पदार्थ इस जमीन के नीचे है, और इतना बड़ा भंडार है। अभी हमारे देश में कोयले की जिस गति से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी गति से इस्तेमाल करते रहें तो 350 साल तक कोयला खत्म नहीं होने वाला। जिस गति से हम जो है लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं और खदानें खोद रहे हैं, इसी गति से लोहे की खदानें खोदती रहे 280 साल तक लोहा खत्म होने वाला नहीं। इसी तरीके से तांबे को जिस तरह से हम निकाल रहे हैं और ये तांबे को इस्तेमाल करते रहे 400 साल तक तांबा खत्म होने वाला नहीं, बॉक्साइट खत्म होने वाला नहीं। भगवान ने इतना हमारी जमीन के नीचे दे रखा है। जमीन के ऊपर भी है, जमीन के नीचे भी है। जमीन के ऊपर हमारे देश में बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वतमालाएं हैं, हिमालय की बड़ी पर्वतमाला है, फिर दक्षिण भारत में गंधमार्दन की बड़ी पर्वतमाला है, सतपुड़ा की बड़ी पर्वतमाला है, हजारों किस्म की जड़ी बूटियां इन पर्वतों पर हैं। अभी तक जिन जड़ी बूटियों की भारत सरकार ने लिस्ट बना ली है वो 8400 से ज्यादा है, और जिन जड़ी बूटियों की लिस्ट बनना अभी बाकी है वो 84,000 है। इतना बेशकीमती भंडार प्रकृति का दिया हमारे देश। जंगल है इस देश में जो भरपूर उत्पादन के केंद्र है, खूब सारे फल और खूब सारी लकड़ियां हमें जंगल से मिलती रहती हैं। तो क्या नहीं है इस देश में, जंगलों में देखो, खदानों में देखो, खेतों में देखो, हमारे देश के लोगों की मेहनत में देखो, हर तरह से धन धान्य से भरा पूरा देश, फिर ये गरीब क्यों है? ये गंभीर प्रश्न है। भगवान ने तो हमें गरीब नहीं बनाया। अगर भगवान हमको गरीब बनाता तो इस देश का मौसम वैसा ही देता जैसे यूरोप में है, भयंकर ठंड, ठंड और भयंकर ठंड। हमको ऐसा मौसम नहीं दिया भगवान। भला हो भगवान का जिसने ये हिमालय पर्वत दे दिया हमको। अगर ये नहीं होता तो भारत में भी साल में 8 महीने ठंड ही ठंड होती और बर्फ जमी रहती। तो भगवान ने तो बहुत सोच विचार कर इस देश को बनाया, इतना धन धान्य से भरपूर, प्रकृति की सारी कृपा इस देश पर है।
बहुत दिन मैं ये सोचता रहा कि ये सारा धन धान्य का भंडार इस देश में प्रकृति का जो है ये किस कारण से है और दूसरे देशों में ये क्यों नहीं है। तो इसका एक उत्तर मिला कि भारत में ये सारा धन धान्य इसलिए है कि भारत देश में सूरज भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इस देश पर सूर्य सबसे ज्यादा इस देश में है, सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा इस देश में है और जिन देशों में कुछ नहीं है उन देशों में दिखाई देता है सूर्य का प्रकाश नहीं है। यूरोप और अमेरिका के देशों में पता है कभी कभी संडे होता है। संडे माने छुट्टी नहीं, संडे माने सूरज का दिन। हाँ, 8 महीने तो भयंकर बर्फ पड़ती है तो संडे होता ही नहीं है, 4 महीने में कभी कभी संडे होता है। मुझे वो दिन याद है जब मैं परम पूजनीय स्वामी जी के साथ लंदन गया, ग्लासगो गया, तो वहां हमको एक अंग्रेज मिला और उसी दिन सूरज निकला था। ये संयोग की बात, स्वामी जी के चरण पड़े उस जमीन पर और सूरज निकला बहुत तेज। तो उस अंग्रेज ने कहा कि आप बहुत लकी हैं कि आपको ये सूर्य दिखाई दे रहा है। मैं पूछा क्या हुआ, उसने कहा कई दिनों से सूरज नहीं निकला, अभी निकला है। तो वहां कभी कभी संडे होता है और भारत में एवरीडे संडे, यहां हर दिन सूरज का दिन। आज सूरज निकला, कल निकलेगा, परसों निकलेगा, करोड़ों साल पहले निकला, करोड़ों साल बाद निकलेगा। इस देश पर सूरज की सबसे असीम कृपा है। ये सूरज की धूप हमको जो मिली है ना, इसी ने सारा वैभव बनाया है। ये खेतों में जो अच्छा उत्पादन होता है ये सब सूर्य के प्रकाश का कमाल है। ये जमीन के नीचे जो 90 किस्म के खनिज पदार्थ है ये सूर्य के प्रकाश का कमाल है। ये हमारी जमीन में हम एक दाना डालें और हजारों दाने पैदा हो जाएं, ये सूरज के प्रकाश का कमाल है। आपने बचपन में पढ़ा होगा एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं, भोजन बनाते हैं, वो भोजन कुछ अपने लिए रखते हैं, कुछ मिट्टी को दे जाते हैं, उसी से सारी दुनिया चलती है। तो ये क्रिया तो वही होती है जहां सूरज होता है और यहाँ तो भरपूर सूरज है। तब समझ में आया कि भगवान ने देश को सूर्य दिया है और सूर्य ने इस देश पर इतनी कृपा की है, उसके कारण ये देश धन धान्य से भरपूर है। फिर इस देश में गरीबी क्यों होनी चाहिए, ये गंभीर प्रश्न। फिर इस प्रश्न को हमने खोजना शुरू किया और खोजते 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 हमें कुछ रास्ता दिखा या कुछ जानकारियां मिली और उससे पता चला कि हमारी गरीबी का कारण क्या है। मैंने कहा भगवान ने हमको गरीब नहीं बनाया, लेकिन फिर भी गरीबी है हमारे यहां, इसका कोई तो कारण होगा। तो ढूंढना शुरू किया तो पता चला गरीबी का ऐतिहासिक कारण है, कोई धार्मिक कारण नहीं है, कोई प्राकृतिक कारण नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक कारण है भारत की गरीबी का। इतिहास ने हमको गरीब बना दिया, वैसे हम गरीब नहीं थे। भारत के इतिहास ने कैसे भारत को गरीब बना दिया, एक कहानी शुरू करता हूं, अब मेरा व्याख्यान शुरू हो रहा है, अब तक मैं भूमिका बना रहा था। एक अंग्रेज आया इस देश में, एक अंग्रेज आया इस देश में, उसका नाम था थॉमस बेब मैकॉले, टीबी मैकॉले। आपने सुना होगा मैकॉले मैकॉले मैकॉले, उसका पूरा नाम था थॉमस बेब मैकॉले। भारत आया सन 1834 में, आज से लगभग 125 साल पहले। जिस समय ये मैकॉले भारत में आया उस समय अंग्रेजों का जो राज्य चलाने वाला प्रमुख अधिकारी था, जिसको हम भारत में दो नामों से जानते हैं, गवर्नर जनरल और वॉयसराय। अंग्रेजों का सबसे उच्च अधिकारी होता था उसको कुछ दिनों तक गवर्नर जनरल कहते थे और कुछ दिनों तक उसको वॉयसराय कहा जाता था। तो ये जो अधिकारी था उसका नाम था विलियम बेंटिंक। जिस समय मैकॉले भारत में आया तो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक की जो काउंसिल थी, काउंसिल माने मंत्री पद, मंत्रालय उसका, उसके मंत्री परिषद में मैकॉले को सलाहकार नियुक्त किया गया था। मतलब ये था
कि विलियम बेंटिंक कोई भी फैसला लेगा तो मैकॉले से पूछ कर लेगा, और विलियम बेंटिंक को किसी फैसला करने में मैकॉले की सलाह लेनी पड़ेगी। मैकॉले की नियुक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं, ब्रिटेन की संसद ने उसकी नियुक्ति की थी, भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल का एडवाइजर बनाया, उस हैसियत में वो भारत आया। और भारत आके घूमा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे भारत में घूमा। घूमने के बाद उसने एक स्टेटमेंट किया, और वो स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। वो स्टेटमेंट उसने पार्लियामेंट में भी किया, अंग्रेजों के अधिकारियों की मीटिंगों में बार बार कहा, उसने वो अपने पत्र में लिखा, अपनी डायरी में लिखा, अपनी किताब में भी लिखा। वो स्टेटमेंट क्या है? 2 फरवरी 1835 को मैकॉले कह रहा है, I have traveled length and breadth of this country, India. मैंने भारत का सारा इलाका देख लिया। लेंथ एंड ब्रेथ का माने वो एक मुहावरा है अंग्रेजी का, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मैंने सारा भारत देख लिया। I have traveled length and breadth of this country, India, but I have never seen a person who is a beggar and who is a thief in this country, India. वो कहता मैंने एक आदमी भी भारत में नहीं देखा जो भिखारी हो और चोर हो। कुछ अंग्रेज उससे पूछते हैं कि ये क्या कहा तुमने भारत के बारे में, तो कहता है कि जो मैंने कहा है उस पर मैं टिकूंगा, मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास दस्तावेज है, भारत में एक भी आदमी को मैंने भिखारी और चोर नहीं देखा। तो क्यों? तो कहता है भारत का हर व्यक्ति इतना धन संपन्न है तो उसको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, और हर व्यक्ति इतना धन संपन्न है कि उसको किसी की चोरी करने की जरूरत नहीं। कोई भी जब चोरी करता है तो अभाव में करता है, और कोई भी किसी से भीख मांगता है तो अभाव में ही मांगता है। वो कहता भारत का एक व्यक्ति भी अभाव में नहीं रहता, इतना धन और इतना पैसा इस देश में है। फिर उस स्टेटमेंट में वो आगे कहता है कि मैं भारत में कई घरों में गया हूं और मैंने देखा है कि एक एक घर में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर होता है। ये कह रहा है, घरों में सोने के सिक्कों का ढेर रहता है। फिर वो कहता है कि मैंने जब भी भारत के किसी भी घर में जाकर पूछा कि आपके पास कितने सोने के सिक्के हैं, तो हर आदमी ने मुझे जवाब दिया कि गिने नहीं, गिनी चीजें वो जाती हैं जो कम होती हैं, जो चीजें जरूरत से ज्यादा होती हैं वो गिनी नहीं जाती। मैं आपके घर में आऊं और पूछूं कि कितने गेहूं के दाने आपके घर में हैं, तो आप हंसेंगे ना, आप कहेंगे कितने क्विंटल गेहूं है, ऐसे पूछो। तो मैकॉले ने जब जब किसी को यह पूछा कि कितने सोने के सिक्के आपके घर में हैं, तो हर आदमी ने उसकी हंसी उड़ाई और उसको कहा कि कितना किलो सोना है ऐसे पूछो, 10 किलो 20 किलो 50 किलो 100 किलो 200 किलो। वो कहता घर घर में किलो किलो में सोना है, वो कहता कई घरों में तो क्विंटल में सोना है, कई घरों में मीट्रिक टन में सोना है, इतना सोना है इस देश में। जब ये बात उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कही तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा मच गया, और हंगामा ये मचा कि भारत के लोगों के पास अगर इतना सोना है तो ये आया कहां से, इस बात का हंगामा था। भारत ने दुनिया के किस किस देश को लूटा है जहां से ये सोना आया, तो उन्होंने भारत की हिस्ट्री पे अध्ययन करना शुरू किया, उसमें से निकला कि भारत ने कभी किसी देश को नहीं लूटा, और यही सच्चाई है, हमने कभी किसी देश को नहीं लूटा, हमने दूसरे देशों पर विजय प्राप्त की है लेकिन लूटा किसी को नहीं, जीता है युद्ध लूटा नहीं है किसी को, लूटना हमारे भारत की परंपरा नहीं है। एक कहानी तो आप सभी जानते हैं, भगवान श्री राम ने सोने की लंका पर विजय प्राप्त की लेकिन सोने की लंका को लूटा नहीं।
रावण को मारा, विभीषण को राजा बनाया, और विभीषण जब राजा बना तो उसके पहले श्री राम के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है और कह रहा है कि ये तो मेरा नहीं है, ये तो सब आपका है, आप जैसे चाहो वैसे मैं करूं। तो लक्ष्मण को तो लालच आ गया एक बार, उन्होंने कहा कि ले लो भैया कुछ सोना, अयोध्या का भला हो जाएगा। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण हमारी परंपरा नहीं है लूटने की, हम एक ग्राम भी सोना यहां से नहीं ले जा सकते। तब लक्ष्मण ने कहा कि अपनी अयोध्या तो कुछ गरीबी में है, तो राम ने जवाब दिया जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वो भले गरीब है लेकिन हमारी जन्मभूमि है, लौटना हमको खाली हाथ ही है, लूटना नहीं है। अगर श्री राम चाहते तो लक्ष्मण को श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाते और लक्ष्मण की मदद से पूरी श्रीलंका का सोना अयोध्या में ले आते, क्या मुश्किल थी। लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि भारत की परंपरा नहीं है। और श्री राम की कहानी तो मैंने इसलिए सुनाई कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, वरना तो इस देश में ऐसे सैकड़ों चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिन्होंने दूसरे देशों को जीता लेकिन लूटा किसी को नहीं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की कहानी, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कहानी, चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन की कहानी, चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त की कहानी, ये सब कहानियां हमारे सामने हैं। इन्होंने बीसियों युद्ध जीते हैं, लूटा किसी देश को नहीं, लूटना हमारी परंपरा नहीं है, तो हमने कभी लूटा नहीं। फिर भी दुनिया का सबसे ज्यादा सोना इस देश में कैसे आया, हर घर में सोने के सिक्के कहां से आए। तब इस पर खोजना शुरू किया तो पता चला कि 3000 वर्षों तक भारत ने दुनिया के देशों से व्यापार किया और 3000 वर्षों तक इस देश ने दुनिया के देशों को वो सामान बनाकर दिया जो कोई नहीं बनाता था। उस समय के व्यापार में हमारी मोनोपोली थी और एक्सपोर्ट में हम दुनिया में सबसे आगे रहते थे। दुनिया का कुल बाजार जितना था उसमें 33% एक्सपोर्ट अकेले भारत का था, पूरे बाजार। और हम इंपोर्ट एक चीज का भी नहीं करते थे, सब हम निर्यात करते थे, बेचते थे, खरीदते कुछ नहीं थे, क्योंकि खरीदे हम ऐसी जरूरत हमको नहीं थी, क्योंकि हर चीज इस देश में बनती थी। हम निर्यात क्या करते थे, दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा हम निर्यात करते थे, सबसे बेहतरीन कपड़ा। आपको मालूम है इस देश में ढाका में मलमल बनती थी, इस देश में सूरत में मलमल बनती थी, इस देश में मालवा में मलमल बनती थी। मलमल एक खास तरह का कपड़ा होता है, वो कपड़ा इतना बेहतरीन बनाया जाता है कि कपड़े का 15 मीटर लंबा थान तह करते जाओ, तह करते जाओ, तह करते जाओ तो माचिस की एक डिब्बी में आ जाता है, 15 मीटर का थान। इस क्वालिटी की हम कपड़े में बुनाई करते थे और ये सारी बुनाई हाथ से होती थी, मशीनें नहीं थी। ये क्वालिटी का कपड़ा हम बनाते थे। आपने कई बार सुना होगा कि भारत के मलमल का कपड़ा 15 मीटर लंबा, एक अंगूठी में से खींच के निकालो तो पूरा थान पार हो जाता। इस क्वालिटी का कपड़ा बनाते और ये कपड़ा दुनिया के 56 देशों के बाजारों में बिकता था। सबसे ज्यादा ये कपड़ा बिकता था यूरोप में, फिर बिकता था अफ्रीका में, फिर बिकता था लैटिन अमेरिका में। और हमारा जब कपड़ा बिकता था ना बाजारों में दुनिया में, तो उसके प्रमाण है मेरे पास कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पलड़े में रखा जाता था और उसके वजन के बराबर सोना दूसरे पलड़े में रखा जाता था। वजन के बराबर सोना हमें मिलता था कपड़ा बेचने पर। हमने 3000 साल दुनिया को कपड़ा पहनाया और उसके बदले में सोना कमाया, सोना लूटा नहीं, अपनी मेहनत से सोना हमने कमाया। यूरोप के इतिहास को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो रोम साम्राज्य वहां सबसे पुराना साम्राज्य रहा। रोमन एम्पायर में पहले राजा से लेकर आखिरी राजा तक सबने भारत का ही कपड़ा पहना। रोमन एम्पायर की जो रानियां होती थी वो सब भारत के कपड़े पहनती थी। अंग्रेजों के राजा रानी भी भारत का कपड़ा पहनते थे।
आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक बार अंग्रेजों के राजा के बारे में लंदन की पार्लियामेंट में बहस हुई, और बहस इस बात की हुई कि अंग्रेजों का राजा भारत का कपड़ा पहनता है, उसकी पत्नी भारत का कपड़ा पहनती है, तो हम भारत को गुलाम कैसे बनाएं? मैंने हमारे कपड़े पहनकर ये लोग रहते थे, क्यों? क्योंकि उनके यहां कपड़ा नहीं होता था। कपड़ा क्यों नहीं होता था? क्योंकि कपास नहीं होती थी। कपास क्यों नहीं होती? क्योंकि मिट्टी इतनी अच्छी नहीं जो कपास कर सके। तो जब सारी दुनिया कपड़ों से मरहूम थी, नंगी थी, तब हम कपड़ा बनाते थे और दुनिया को कपड़ा पहनाते थे, उसमें हमने सोना कमाया। फिर कपड़ा अकेला नहीं था, हम लोहा बेचते थे दुनिया में, स्टील बेचते थे। स्टील बनाने की परंपरा सबसे पुरानी भारत में है। आपको सुनकर ये गर्व होगा कि सारी दुनिया को स्टील बनाना भारत ने सिखाया। कच्चा लोहा, उससे स्टील कैसे बनाया जाता है, ये टेक्नोलॉजी दुनिया को भारत ने दी। और स्टील दिया बनाकर, भारत के स्टील से ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज बना करते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो भारत के स्टील से जब जहाज बनाते थे तो वो जहाज 70 से 80 साल चलता था। और वो ये कहते हैं कि किसी दूसरे देश के स्टील से जहाज बनाओ तो 15 साल में ही खराब हो जाता। इस क्वालिटी का स्टील हम बनाते थे। भारत के स्टील की विशेषता पता है क्या थी? जंग नहीं लगता था उसमें, ये विशेषता थी। ऐसा स्टील दुनिया में हमने बनाया, जंग नहीं लगता था। और उसके प्रमाण अभी तक मौजूद हैं। दिल्ली के पास मेहरौली नाम के गांव में चले जाइए, एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है जिसमें जंग नहीं लगा, सैकड़ों साल से है। मैं अभी अभी कासगंज गया था, भारत स्वाभिमान की एक सभा में। कासगंज में मैंने एक महादेव का मंदिर देखा जिसमें 500 साल पुराना घंटा लटका हुआ है जिसमें जंग नहीं लगा है अभी तक। इस क्वालिटी का स्टील हम। दक्षिण भारत में लौह स्तंभ है जिनमें जंग नहीं लगा। ये स्टील हमने बनाया और बेचा, और उसके बदले में सोना कमाया। लोहा बेचकर हमने सोना कमाया, कपड़ा बेचकर हमने सोना कमाया। हम ईंट बेचते थे दुनिया में। ककैया ईंट होती है जो बहुत पतली होती है, और उस ईंट की स्ट्रेंथ 1000 साल होती है। उस ईंट से बने हुए मकान 1000 साल तक नहीं टूटते। भारत के राजा महाराजाओं के जो किले बने हुए हैं ना, वो पतली ईंट के हैं, अभी भी सुरक्षित है। और ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए एक मटीरियल हम बनाते थे, चूना। अभी तो बनता है सीमेंट, पहले बनता था चूना। चूने और सीमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। सीमेंट अच्छे से अच्छा आप लगाओ मकान की दीवार में, 2-3 दिन में ही क्रैक आ जाएगा। और चूना खराब से खराब लगाओ, 100 साल तक क्रैक नहीं आएगा। दीवार टूट सकती है, क्रैक नहीं आएगा। इस क्वालिटी का चूना बनाते थे। हमारे तो कई किले अभी भी हैं जिनको आप देख सकते हो। जयपुर के पास आमेर नाम का एक छोटा सा शहर है, आमेर का किला देखने जाओ तो चूने की जो दीवारें हैं ना, वो शीशे की तरह से चमकती है। इस क्वालिटी का चूना है। ये चूना हम एक्सपोर्ट करते थे, ईंट एक्सपोर्ट करते थे, हम लोहा एक्सपोर्ट करते थे, हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे, मसाले एक्सपोर्ट होते थे, खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट होती थी। ऐसे सैकड़ों चीजों को हमने निर्यात किया और बदले में सोना कमाया। 3000 साल हम ये करते रहे, इसलिए इतना सोना आया इस देश में कि ये देश सोने की चिड़िया नाम से सारी दुनिया में विख्यात हो गया। तब मैकॉले कह रहा है, आई हैव नेवर सीन ए पर्सन हु इज ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री इंडिया। और वो कहता है, घर घर में मैं घुसा तो सोने के सिक्कों का ढेर ऐसा है। इतना धन धान्य संपन्नता वाला देश गरीब कैसे हुआ? गरीबी आई तब जब अंग्रेजों ने ये धन देखा, संपत्ति देखी, और उनको लालच आया और उन्होंने इस देश को लूटना शुरू किया, तब गरीबी आना शुरू हुई। अंग्रेजों ने भारत के धन संपत्ति की लूट 16वीं शताब्दी से की थी। और वो कैसे की थी? भारत के पानी के जहाज जाते थे व्यापार करने के लिए, और ये हमारे जहाज अफ्रीका तक जाते थे। अफ्रीका जाने के लिए बीच में लंदन से गुजरना पड़ता है। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो समुद्र के किनारे है, और अफ्रीका जाने वाले रास्ते पर है।
तो भारत के जितने पानी के जहाज जाते थे उन सबको लंदन के नजदीक से गुजरना पड़ता था और अंग्रेज उन पानी के जहाजों को लूटा करते थे। 16वीं शताब्दी उन पानी के जहाजों को लूटने के लिए छोटे छोटे समूह बनाए थे, उन्होंने ग्रुप बनाए थे, लुटेरे समूह थे उनके, गुंडे बदमाशों के समूह उन्होंने बनाए थे। और भारत से गए हुए पानी के जहाजों को जब वो लूटा करते थे तो बहुत संपत्ति मिलती थी उनको। तो ये लुटेरे समूह जो हुआ करते थे इंग्लैंड में, इन लोगों ने आपस में एक फैसला किया कि भारत से आने वाले पानी के जहाजों पर अगर इतना धन और संपत्ति है तो हम भारत में ही क्यों ना चलें लूटने के लिए, जहां पर ये खजाना है सारा का सारा। तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई इस काम के लिए और कंपनी का नाम भी रखा ईस्ट इंडिया। दोनों ही ये नॉन इंग्लिश शब्द हैं, अंग्रेजों को ये नाम रखने की जरूरत नहीं थी। वो कंपनी का नाम रखते तो कोई अंग्रेज नाम रखते, इंडिया नाम क्यों रखा और ईस्ट क्यों रखा, पूरब की तरफ आना था उनको इसके लिए, और इंडिया रखा क्योंकि भारत ही आना था उनको। और ये कंपनी जब बनी 1599 में तो इस कंपनी की इनिशियल पेड अप कैपिटल शून्य थी, जीरो थी। ऐसी अद्भुत कंपनी बनी जिसका इनिशियल पेड अप कैपिटल ही नहीं था कुछ। और इस कंपनी को बना के जब अंग्रेजों के राजा के सामने प्रस्तुत किया गया तो राजा से कहा गया कि आप इसको लाइसेंस दो कंपनी को, हम भारत जाके लूट करना चाहते। तो राजा ने कहा कि लूट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा। तो इन्होंने कहा कंपनी वालों ने कि कुछ हिस्सा हम आपको भी देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा को भी लूट का हिस्सा मिलेगा, कंपनी वालों को भी फायदा होगा। इसके लिए उस कंपनी को लाइसेंस दिया गया और वो भारत में आए। अब भारत में आए तो उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया कि ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी है। हम ट्रेडिंग का क्या मतलब निकालते हैं, व्यापारी कंपनी। इंग्लैंड में ट्रेडिंग का मतलब कुछ और है। 16वीं शताब्दी की अंग्रेजी की डिक्शनरी मैंने ढूंढी तो उसमें पता चला ट्रेड का माने होता है प्लंडरिंग। प्लंडरिंग माने लूटमार। हम ट्रेड का मतलब समझते रहे व्यापार। अंग्रेजों के यहां 16वीं शताब्दी में ट्रेड का मतलब होता था लूटमार। तो वो कंपनी लूटमार करने वाली कंपनी थी और भारत में घुसी तो हमने सोचा ये व्यापार करने वाली कंपनी है। इसी दुविधा में जहांगीर नाम के राजा ने लाइसेंस दे दिया उस कंपनी को और उस कंपनी ने सूरत शहर में जाके अपना अड्डा जमाया और सूरत को लूटा। लूट कर धन मिला, वो धन से सेना बनाई, फिर और लूटा, फिर और धन मिला, फिर और सेना बनाई, फिर और लूटा। ऐसे करके लूट बढ़ती गई, सेना बड़ी होती गई। फिर एक दिन उनको लगा कि भारत में तो भरपूर धन मिल रहा है लूट का, क्यों ना यहाँ पर राज्य किया जाए। और फिर उन्होंने राज्य बनाकर लूटा। जब तक अंग्रेजों का राज्य नहीं बना था तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे ही लूटा। जब राज्य उनका स्थापित हो गया तो उन्होंने कानून बनाकर इस देश को लूटा। एक तरीका होता है किसी के घर में घुस जाओ लूट के सब ले आओ तो वो चिल्लाएगा कि मेरी लूट हो रही है। दूसरा तरीका होता है कि लूटने का कानून ही बना दो, तब कौन चिल्लाएगा, तब तो हर आदमी कहेगा लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है भले उसमें लूट हो आपकी। ये तरीके होते हैं लूटने के। दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा देने वाले दो शब्द हैं लॉ एंड ऑर्डर। अंग्रेजों ने इन्हीं दोनों शब्दों का उपयोग किया, लॉ एंड ऑर्डर। आपकी कोई जेब काटे आप चिल्लाओगे जी मेरी क्यों जेब काट रहे हो, और जेब काटने का कानून बना दिया जाए आप क्या कर लोगे। और काटने वाला यही कहेगा जी मैं तो कानून का पालन कर रहा हूं, मैं तो पूरी ईमानदारी से कानून का पालन कर रहा हूं, यही कहेगा कि नहीं। तो वो पूरी ईमानदारी से कानून का पालन कर रहा है माने पूरी ताकत से लूट रहा है आपको और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून है। तो अंग्रेजों ने 100 साल तक तो बिना कानून के लूटा, फिर कानून बनाकर लूटा इस देश को। जब अंग्रेजों ने बिना कानून के इस देश को लूटा था तब समय का एक उदाहरण बताता हूं।
एक रॉबर्ट क्लाइव नाम का अंग्रेज था इस देश में, प्लासी का युद्ध लड़ा उसने 1757 में, वो सारी कहानी आप जानते हैं इसलिए मैं रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन जो आप नहीं जानते वो बताना चाहता हूं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सैनिकों की संख्या 350 थी और भारत जिसके खिलाफ ये युद्ध लड़ा जा रहा था उसके सैनिकों की संख्या 18,000 थी। अब कोई किसी से ये कहे, नाम का अंग्रेज था इस देश में, प्लासी का युद्ध लड़ा उसने 1757 में, वो सारी कहानी आप जानते हैं इसलिए मैं रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन जो आप नहीं जानते वो बताना चाहता हूं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सैनिकों की संख्या 350 थी और भारत जिसके खिलाफ ये युद्ध लड़ा जा रहा था उसके सैनिकों की संख्या 18,000 थी। अब कोई किसी से ये कहे कि अंग्रेजों के 350 सैनिक और भारत के 18,000 सैनिक कौन जीतेगा, तो निश्चित रूप से आप कहोगे भारत जीतेगा और जीतना भी चाहिए। लेकिन इस युद्ध में भारत हारा था और इंग्लैंड जीता था, 350 सैनिक होने के बावजूद इंग्लैंड जीता था। कारण क्या था? उस युद्ध में भारत की तरफ से जो सेनापति था सेना का, उसका नाम था मीर जाफर, और अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को मालूम था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा और मीर जाफर को कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के साथ एक समझौता किया था और उस समझौते में मीर जाफर को यह कहा गया था कि तुम युद्ध में अंग्रेजों की मदद करो तो हम तुमको बंगाल का राजा बनाएंगे और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे। तो मीर जाफर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के लालच में और बंगाल के राजा बनने के लालच में बिक गया था और उसने देश से गद्दारी की थी। और गद्दारी ये की थी कि उसने भारत के 18,000 सैनिकों का सरेंडर अंग्रेजों के 350 सैनिकों के सामने करा दिया था। ये है सच्चाई युद्ध की। भारत हार गया, इंग्लैंड जीत गया। रॉबर्ट क्लाइव ने जब वो युद्ध जीत लिया तो 18,000 सैनिकों को अपने पास मिला लिया और उन 18,000 सैनिकों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव ने एक लॉन्ग मार्च किया प्लासी से लेकर मुर्शिदाबाद तक। मुर्शिदाबाद उस समय कलकत्ता के विकल्प में राजधानी था, बंगाल की राजधानी था, और प्लासी से थोड़ा दूरी पर था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध जीत लिया, सैनिकों को लेकर एक मार्च निकाला। उस मार्च के बारे में रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं युद्ध में जीतने के बाद 18,000 भारतीय सैनिकों को बंदी बनाकर एक लॉन्ग मार्च पर निकला प्लासी से मुर्शिदाबाद। तो मैं घोड़े पर आगे आगे चलता था, मेरे पीछे पीछे 350 सैनिक चलते थे, वो अंग्रेज थे, उनके पीछे 18,000 भारत के सैनिक चलते थे और उन्हीं में मीर जाफर भी चलता था। इस मार्च के पूरे रास्ते में रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि हजारों भारतवासी सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर हमारा जुलूस देखते थे। और वो डायरी में लिखता है कि ये भारतवासी हमारे जुलूस पर तालियां बजाते थे, अगर इन भारतवासियों ने मेरे जुलूस पर ताली नहीं बजाई होती और पत्थर का एक एक टुकड़ा उठाकर मुझे मारा होता तो भारत का इतिहास 1757 में ही बदल गया होता। कितनी गहरी बात उसने कही है, हमने अंग्रेजों को पत्थर उठा के नहीं मारा, उनके जुलूस पर हमने तालियां बजाई, हमने इस देश में मीर जाफर जैसे गद्दारों को देखा जिसने कुछ सोने के लालच में देश को बेच दिया विदेशियों के हाथ, इसलिए ये देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ और लूट का शिकार हुआ। फिर उस रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा क्योंकि वो राजा हो गया बंगाल का, लूटा उसने, लूटा हुआ धन लेके वो लंदन गया। लंदन की पार्लियामेंट में रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर एक मुकदमा चला, उसके ऊपर केस हुआ, क्रिमिनल केस हुआ। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उसने जितना धन लूटा भारत में उस धन को उसने बंटवारा नहीं किया, अकेला हजम कर गया। शर्त यह थी
कि जो धन लूट का मिलेगा उसमें राजा को भी देना है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट को भी देना है और बचा अपने पास रखना है। रॉबर्ट क्लाइव ने किसी को कुछ नहीं दिया, अकेला हजम कर गया, इसलिए केस चला। मतलब अगर वो लूट का बंटवारा चल करता तो केस नहीं चलता। भ्रष्टाचार यहां से पैदा हुआ। रॉबर्ट क्लाइव इस देश में भ्रष्टाचार की अम्मा था, उसने बीज बोया इस देश में भ्रष्टाचार। ले गया धन लूट का, बंटवारा किया नहीं तो मुकदमा चला। मुकदमे में उससे जो सवाल पूछे गए वो बहुत लंबे हैं, मैं एक ही सवाल को कहूंगा। उससे पूछा गया कि तुम भारत से कितना धन लूट कर लाए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा मुझे पता नहीं कितना लाया। तो फिर पूछा गया बताओ अंदाजा बताओ, तो उसने कहा मैंने गिना नहीं। तो नहीं गिना है तो फिर भी बताओ, तो उसने कहा कि आप सोचो तो ये सोच लो कि भारत से लूट का धन लाना आसान काम नहीं था, क्योंकि भारत से लूट का धन लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हड़कंप मच गया। उसको पूछा गया तुम लाए क्या हो, तो उसने कहा सोने के सिक्के लाया, चांदी के सिक्के लाया, हीरे जवाहरात लाया, मोती पन्ना माणिक लेके आया, इन सबको लाने के लिए पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े। इतना लूट का धन अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने लिया इस देश में। फिर उसको एक सवाल पूछा गया कि ये जो तुम लूट का धन लाए पानी के 900 जहाज किराए पर लेकर, एक जहाज में कितना धन आता है, तो उसने कहा कि एक जहाज में 60 से 70 मीट्रिक टन सोना आता है, ऐसे 900 जहाज में लेके आया। 70,000 किलोग्राम सोने से भरा हुआ एक जहाज, ऐसे 900 जहाज लेके गया रॉबर्ट क्लाइव। इस सोने को आज के हिसाब से अगर हम तौलना शुरू कर दें, आज सोने की कीमत 16,000 रुपए का 10 ग्राम है, आज के हिसाब से तौलना शुरू कर दें तो 300 लाख करोड़ रुपए का सोना निकलता है। अकेला रॉबर्ट क्लाइव ले गया। और रॉबर्ट क्लाइव कोई अकेला नहीं था जो लूट कर गया और भारत का लूट का अध्याय बंद हो गया। रॉबर्ट क्लाइव गया, उसको बाद में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने फांसी की सजा दी, क्योंकि लूटा और पैसा बांटा नहीं। फांसी की सजा होने से पहले उसने अपने आप को गोली मारी और सुसाइड किया था। फिर रॉबर्ट क्लाइव के बाद एक दूसरा लुटेरा आ गया, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने लूटा। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद तीसरा लुटेरा आ गया कॉर्नवॉलिस, उसने लूटा। फिर कॉर्नवॉलिस के बाद चौथा लुटेरा आ गया कर्जन, उसने लूटा। फिर कर्जन के बाद पांचवा लुटेरा आया विलियम वेंटिंग, उसने लूटा। फिर उसके बाद पैथिक लॉरेंस आया, उसने लूटा। ऐसे 84 अंग्रेज लुटेरे आए इस देश में और लूटते ही रहे इस देश को। और उन्होंने जो लूटा उस धन को जब वो लंदन ले गए तो हम गरीब हो गए और हमारे लूट के पैसे से वो अमीर हो गए। हमारी गरीबी का यही एकमात्र कारण है और कोई कारण नहीं। आप इसको सामान्य रूप से यह समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका घर कोई लूटे तो आपका घर गरीब होता है, तो देश को कोई लूटे तो देश गरीब होता है। हमारा देश इसलिए गरीब हुआ। और भारत में जो इलाका आपको सबसे ज्यादा गरीब दिखाई देता है, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, बंगाल बिहार उड़ीसा की गरीबी के बारे में मैं कल्पना नहीं करता था मेरे जीवन में जब तक मैं वहां गया नहीं। ये कौन बच्चा है बहन जी, माता जी, किसका है ये? गरीबी के बारे में मुझे कल्पना नहीं थी बंगाल बिहार उड़ीसा में। मैं पहली बार जब कालाहांडी जिले में गया एक व्याख्यान देने के लिए, कालाहांडी भारत का सबसे गरीब जिला कहलाता है, तब मुझे अंदाजा लगा कि गरीबी कितनी है। कालाहांडी में जब मैं व्याख्यान देने के लिए गया तो मेरी सभा में 3 लोग आए, एक मैं खुद, एक माइक लगाने वाला और एक दरी बिछाने वाला। 3 लोग आए थे, हम 3 लोग थे, मैं खुद बोलूं और सुनूं और 2 लोग वो थे। फिर मैंने माइक वाले को पूछा भैया ये क्यों नहीं आए लोग सुनने के लिए? उसने कहा आप चिंता मत करो, भाषण करो, वो सुनेंगे। मैं पूछा वो कैसे? उसने कहा घर में बैठ के सुनेंगे।
मैं कहा जब घर में बैठ के सुन सकते हैं तो मेरे सामने भी सुन सकते हैं। तब उसने गंभीरता से कहा कि वो आपके सामने नहीं आ सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। मैंने कहा मुझे उनका घर दिखाओगे? उन्होंने कहा चलो। तो वो ले गया मुझे सरपंच के घर में। सरपंच का घर देखा तो टूटी हुई झोपड़ी 10x10 की। मैंने दरवाजा खटखटाया, सरपंच की पत्नी बाहर आई। मैंने कहा आपके पति से मुझे कुछ काम है। तो उसने कहा थोड़ी देर इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद जब उसका पति बाहर आया तो मैंने देखा पति वही कपड़ा लपेट कर बाहर आया था जिसको पत्नी लपेट के बाहर आई थी। ऐसी गरीबी में इस देश के करोड़ों लोग रहते हैं। और जब अंग्रेजों की लूट के दस्तावेज मैंने पढ़े तब पता चला कि सबसे ज्यादा लूट उसी क्षेत्र में अंग्रेजों ने की है, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में। इसलिए सबसे ज्यादा गरीबी भी वहीं दिखाई दे। तो गरीबी का ऐतिहासिक कारण है, हमारी लूट हुई है। अब अंग्रेजों ने एक तो लूट की गैर कानूनी तरीके से, जैसे रॉबर्ट क्लाइव का मैंने उदाहरण दिया, दूसरी लूट की कानून बनाकर कानूनी तरीके से। अंग्रेजों की संसद में एक बार बहस हुई थी कि भारत को लूटने के लिए क्या क्या कानून बनाए जा सकते हैं। तो विलियम विल्वर फोर्स नाम का एक अंग्रेज था, वो पार्लियामेंट में कह रहा है कि भारत को लूटने के लिए कई तरह के कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे भारत में उद्योग ज्यादा चलते हैं, उत्पादन बहुत होता है और दुनिया भर के बाजारों में वो सामान बिकता है, तो भारत में जो उत्पादन हो रहा है वहीं पर एक टैक्स हम लगा दें और वहीं से लूटना शुरू कर दें। तो अंग्रेजों ने भारत के उत्पादन पर टैक्स लगा के लूटना शुरू किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और जब अंग्रेजों ने पहली बार ये टैक्स लगाया 1840 के आसपास, तो 350% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई। मैंने 100 रुपए का सामान हम उत्पादन करें तो 350 रुपए अंग्रेजों को देना पड़े टैक्स में। फिर थोड़े दिन के बाद अंग्रेजों की संसद में बहस हुई और उस पर यह बात आई कि भारत के जो व्यापारी उद्योग चलाते हैं और माल बनाते हैं उनके माल बनाने पे हमने टैक्स लगा दिया, अब ये माल जो बेच रहे हैं इसके बेचने पे भी टैक्स लगा दो, यहां से लूट लो। तो उन्होंने सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया और वहां लूटना शुरू किया। फिर थोड़े दिन में अंग्रेजों की संसद में फिर बहस हुई और उन्होंने कहा कि भारत के व्यापारी जो बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मुनाफा कमा रहे हैं, तो इनके मुनाफे पे टैक्स लगा दो और वहां लूटो। तो उन्होंने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट बना के वहां लूटना शुरू किया। फिर बात आई एक दिन पार्लियामेंट में, तो ये तय हुआ कि भारत का व्यापारी कुछ भी बनाएगा, कुछ भी बेचेगा तो सड़क के रास्ते लेके जाएगा, तो सड़क पर लूट लो उसको, तो रोड टैक्स लगा के लूटा। फिर सड़क पर कोई पुल बना दिया, उस पर से जा रहा है तो टोल टैक्स लगा के लूटा। फिर जहां पर माल बना रहा है वहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगा के लूटा। फिर जहां से माल लेके जा रहा है उसको एग्जिट टैक्स लगा के लूटा। फिर जहां माल लेके आ रहा है उसको एंट्री टैक्स लगा के लूटा। ऐसे 23 तरह के टैक्स लगा के अंग्रेजों ने ऑफिशियली लूटा इस देश को। आपको अंदाजा है जब अंग्रेजों ने पहली बार इनकम टैक्स लगाया तो 97% था, माने 100 रुपए की आमदनी करो 97 रुपए अंग्रेजों को दे दो इनकम टैक्स। सेंट्रल एक्साइज कितना था? 100 रुपए का उत्पादन करो 350 रुपए दे दो। सेंट्रल सेल्स टैक्स कितना था? 120 से 180%। रोड टैक्स, टोल टैक्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टैक्सेस वो अलग थे। तो ऑफिशियली लूटा फिर अंग्रेजों ने, और ये कम से कम 1840 से 1947 तक, माने 107 साल जम के लूटा। और अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि एक साल में लगभग उन्होंने उस जमाने के हिसाब से $3 अरब लूटा ऑफिशियली। $3 अरब को इस समय के नोट के हिसाब से अगर आप गिनना शुरू करें, इस समय $1.50 का है और $1 अरब में 100 करोड़ होता है, तो $300 करोड़ में 50 का गुणा कर लीजिए। ऑफिशियली ये लूटा।
और लूट लूट के देश को खाली कर दिया। वैसे तो अंग्रेजों के पहले भी ये देश लूटा, महमूद गजनवी ने लूटा, सोमनाथ का मंदिर 17 बार लगातार लूटा, एक ही मंदिर को 17 बार लूटा, मतलब मंदिर में संपत्ति इतनी थी कि उसको लूटने में 17 बार लगा आना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने लूटा इस देश को, अहमद शाह अब्दाली ने लूटा इस देश को, तैमूर लंग ने लूटा इस देश को, नादिर शाह ने लूटा इस देश को। लूट का इतिहास इस देश में पुराना है, और जब लूट होती है किसी देश की तो वो देश गरीब ही होता है, तो हमारी गरीबी का ये कारण है। अब एक महत्वपूर्ण बात कि जब भारत की में लूट हुई और लूट होकर ये देश गरीब होने लगा, भुखमरी का शिकार, भुखमरी कैसे आई, हमारे उद्योगों पर टैक्स लगाए अंग्रेजों ने तो वस्तुएं महंगी हो गई, तो दुनिया के बाजार में जो हम 33% निर्यात करते थे वो निर्यात हमारा घटता गया, वस्तुएं महंगी होती गई, निर्यात घटता गया तो कारखाने बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए तो जो कारीगर काम करते थे वो बेरोजगार हो गए, और वो बेरोजगार हुए तो फिर भुखमरी का शिकार हुए, इसलिए भुखमरी आई, बेरोजगारी आई। एक बात आप जानते हैं कि जब बहुत ज्यादा हमारे देश में कपड़ा बनाने वाले कारीगर थे ना, और अंग्रेजों को उनसे चिढ़ होती थी, तो अंग्रेज उनके अंगूठे काट लिया करते थे ताकि वो कपड़ा ही ना बुन सके, क्योंकि कपड़ा बुनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंगूठे की होती है। आपके पास चारों उंगलियां हो और अंगूठा ना हो, आप कपड़ा नहीं बुन सकते, तो अंगूठा काट लेते थे अंग्रेज, हजारों लोगों के अंगूठे काटे हैं उसके प्रमाण। तो ऐसे जो लूट मचाई उन्होंने उसमें ये देश गरीब होता चला गया, और अंग्रेजों के पहले जो लूट मची इस देश में उसमें गरीबी आई। तो भारत के क्रांतिवीरों को ये लगा कि अंग्रेजों को भगाना चाहिए तो भारत की लूट बंद हो जाएगी, इसलिए भारत के क्रांतिवीरों ने संगठन खड़ा किया अंग्रेजों के खिलाफ। नाना साहब पेशवा, तांतिया टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, ऐसे 7,32,000 क्रांतिकारियों ने संगठन खड़ा किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उसी को आप कहते हैं आजादी का पहला संग्राम। उस युद्ध में थोड़े समय तक क्रांतिकारी जीते, बाद में अंग्रेज जीत गए, फिर उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, ऐसे 7 युद्ध लड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से, तब जाकर 1947 में आजादी मिली। लेकिन इस 47 की आजादी तक आते आते 7,32,000 क्रांतिवीर शहीद हो गए, ऐसी लड़ाई हुई। अब शहीद हो गए, शहादत हो गई, देश आजाद हो गया। आजादी के बाद सबको ये लगा कि अब इस देश की लूट बंद हो गई तो थोड़े दिन में देश फिर अमीर हो जाएगा, समृद्धशाली हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म हो जाएगी, बेकारी खत्म हो जाएगी। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था, क्रांतिवीरों को ये नहीं मालूम था कि जिन गोरे अंग्रेजों को वो भारत से भगा रहे हैं, इसी देश में काले अंग्रेज पैदा हो जाएंगे जो देश को लूटेंगे। अब हमारे देश में क्या स्थिति है वर्तमान में, गोरे अंग्रेजों की लूट बंद हो गई, अब काले अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई। काले अंग्रेज माने हमारे देश में मुख्यमंत्री, हमारे देश के वित्त मंत्री, हमारे देश के वाणिज्य मंत्री, हमारे देश के तमाम मंत्री और उनके साथ काम करने वाले अधिकारी। अब इन्होंने लूट मचा रखी है पिछले 63 साल से, और इन काले अंग्रेजों ने कुछ गोरे अंग्रेजों से कम नहीं लूटा है इस देश को। हमारे देश में जो काले अंग्रेज आज लूट रहे हैं भ्रष्टाचार और घूसखोरी के माध्यम से, एक उदाहरण देता हूं, एक मधु कोड़ा नाम का काला अंग्रेज इस देश में है। झारखंड नाम के सबसे गरीब राज्य में वो लुटेरा है, सबसे गरीब राज्य है झारखंड। अब झारखंड जैसे गरीब राज्य में वो व्यक्ति 2 साल मुख्यमंत्री रहा, और 2 साल के मुख्यमंत्री काल में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि मधु कोड़ा 2 साल सबसे गरीब राज्य का मुख्यमंत्री होकर अगर 5,600 करोड़ लूट सकता है, तो भारत के सबसे अमीर राज्यों में जो 15-15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने कितना लूटा होगा।
यहाँ हरियाणा में उदाहरण है, दूर कहाँ जाएं, आपके ही राज्य के उदाहरण है, कितने बड़े बड़े लूटखोर यहाँ बैठे हुए हैं हरियाणा में। मैंने भारत में देखा उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम कि ये जो लूटखोर नेता और भ्रष्ट अधिकारी हैं, 20 साल पहले तक इनकी जिंदगी को अगर आप देखो तो किसी के पास टूटी साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए, आज एक एक के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि परम पूजनीय स्वामी जी का मुझे सख्त निर्देश है कि नाम लेके मत बोलो तुम, जब समय आएगा तब नाम लेंगे। मैं इशारे से बताता हूं, आप सब समझ जाएंगे। एक बहुत बड़ा लुटेरा इस देश में भ्रष्ट मंत्री है, महाभ्रष्ट, केंद्र सरकार में कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है आज इस देश में, महाराष्ट्र में कई बार मुख्यमंत्री रह चुका है। उसकी लूट का अंदाजा अगर आप लगाना चाहो तो अंदाजा ऐसे लगाओ कि 20 साल पहले उसके पास टूटी साइकिल नहीं थी घर में, आज बंबई से पूना के बीच की दूरी 180 किलोमीटर की है। इस दूरी में जितने गांव पड़ते हैं उन गांव की हजारों एकड़ जमीन उस अकेले ने लूट के खाई हुई है। ऐसे ऐसे लूटखोर हैं इस देश। मैं और एक नेता की कहानी बताता हूं। 20 साल पहले वो नेता नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, आज वो मंत्री है महाराष्ट्र में और केंद्र में भी मंत्री रह चुका है। आज उसकी प्रॉपर्टी 40,000 करोड़ से ज्यादा की। 15-20 साल पहले एक नेता था, मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पालक और मेथी बेचता था, आज उसकी प्रॉपर्टी 35,000 करोड़ की है खाली मुंबई में। ऐसे ऐसे लूटखोर नेताओं की संख्या अगर आप पूछोगे तो 80,000 है जो लूट रहे हैं इस भारत माता को, एक दो नहीं है, 80,000। कुछ तो इसमें नगर सेवक के स्तर पर है, जो सबसे नीचा पायदान है लूट का, नगर सेवक माने कॉरपोरेटर, और कुछ उसमें सबसे ऊंचे पायदान पर है, चीफ मिनिस्टर या केंद्र सरकार के मंत्री। तो नगर सेवक से लेकर और वहां तक 80,000 नेता है जिनकी जन्म कुंडली इस समय में बना रहा हूं, जिनके पास 20 साल पहले एक फूटी कौड़ी नहीं थी और अब हजारों करोड़ की संपत्ति है उनके। और ये नेता जो लूट रहे हैं देश को, ये धन को ले जाकर विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं। अंग्रेज लूट रहे थे इस देश को तो धन को ले जाके लंदन में जमा कर रहे थे, अब ये काले अंग्रेज लूट रहे हैं देश को, ये धन को ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं। और हमारा लूटा हुआ धन स्विट्जरलैंड में चूंकि जमा हो रहा है, इसलिए स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश है और हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिनती हो रही है। अब समझ में आया कि स्विट्जरलैंड सबसे अमीर क्यों है। खेती उस देश में नहीं, व्यापार उस देश में नहीं, उद्योग उस देश में नहीं, फिर भी सबसे अमीर देश, क्योंकि भारत से लूटा हुआ धन वहां जमा हो रहा है। स्विट्जरलैंड में कुछ बैंक हैं जिनकी संख्या 1, 2, 3 ऐसे 36 है, बैंक ऑफ ज्यूरिख, बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसी 36 बैंक हैं। उन बैंकों का नियम है कि दुनिया भर से कहीं भी लूट का पैसा लाके आप वहां जमा कर सकते हैं और वो बैंक वाले पूछते नहीं कि आप ये पैसा कहां से लाए। दूसरा नियम है कि जो पैसा वहां जमा होता है उस पर वो बैंक ब्याज नहीं देते, जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते। तो भारत के नेता जो धन जमा करते हैं उस पर पैसा नहीं मिलता ब्याज का, उल्टा सर्विस चार्ज देना पड़ता। तीसरा नियम है कि जो जमा करने वाले घूसखोर नेता मर गए तो बैंक उनका पैसा हड़प लेती है, किसी को नहीं देते। और भारत में ऐसे सैकड़ों नेता हैं जो जमा करके मर गए। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, आप होशियार हैं तो समझ जाना, नाम इसमें भी नहीं लूंगा। महाराष्ट्र में एक चीफ मिनिस्टर हुए, उन्होंने स्विस बैंक अकाउंट खोला और उनके एक वित्त मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने मिलकर स्विस बैंक अकाउंट खोला स्विट्जरलैंड में, और जॉइंट अकाउंट था उनका।
दोनों उसमें पार्टनर थे। जिस व्यक्ति ने उनका अकाउंट खुलवाया वो अभी थोड़े दिन पहले सीबीआई की गिरफ्त में आया और वो जेल में बंद है अभी। तो वो एक चीफ मिनिस्टर और एक फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने खोल दिया। अब चीफ मिनिस्टर पैसे देता था फाइनेंस मिनिस्टर को और लेके जाता था, वो जमा कराता था। एक दिन क्या हुआ कि महाराष्ट्र के उस फाइनेंस मिनिस्टर ने सब पैसा निकाल लिया और अपने अकेले के नाम से सिंगापुर की बैंक में रख दिया और चीफ मिनिस्टर को नहीं बताया। थोड़े दिन में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चली गई। अब कुर्सी चली गई तो पैसे की जरूरत पड़ी, तो चीफ मिनिस्टर साहब गए अपना अकाउंट चेक करने के लिए, तो पता चला कि सारा पैसा गायब। अब पैसा गायब तो मुश्किल हो गई, फिर ढूंढा ढांडा, पता चला कि वो सिंगापुर की बैंक में पहुंच गया पैसा। फिर वो सिंगापुर गए। सिंगापुर जब गए तो जिस बैंक में पैसा पहुंचा तो पता चला कि उनके ही मित्र ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, सब अपने नाम से जमा कर लिया। अब ये विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक वो साइन ना करे, तो इन्होंने अपने मित्र को फोन फान किया होगा, उसने मना कर दिया। तो चीफ मिनिस्टर को सिंगापुर की बैंक में अटैक आया, लिफ्ट में अटैक आया और उनकी डेड बॉडी सिंगापुर से मुंबई आई थी। ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की कहानी, फाइनेंस मिनिस्टर की कहानी। जिस दिन परम पूजनीय स्वामी जी का आदेश होगा मैं दोनों के नाम खोल के बताऊंगा और कितने लूटे हैं उन्होंने धन संपत्ति वो भी बताऊंगा। ये लूट वाले ऐसे लोग हैं, मुझे तो कई बार लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव मरा नहीं है, उसकी आत्मा ही इन काले अंग्रेजों में प्रवेश कर गई। ऐसा ही एक लुटेरा अंग्रेज है इस देश में, काला अंग्रेज, उसका नाम बता देता हूं क्योंकि इसकी परमिशन है मुझे। उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह। वो उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहा, आईएएस अधिकारी है। उसके घर में अभी छापा पड़ा था सीबीआई का, तो 480 करोड़ रुपए निकला घर में से। उसने जिंदगी भर जो सर्विस की है ना, उसका टीए डीए और एचआरए मिला के 77 लाख बैठता है और उसके घर में से 480 करोड़ निकला। जब पुलिस ने पूछताछ की, सीबीआई ने पूछताछ की, तो पता चला कि ये उसका एक घर है, ऐसे 19 घर अभी और है। माने लूट खोरी में नेता ही नहीं अधिकारी भी शामिल है। और ये धन लूट लूट के जो ले जा रहे हैं इससे देश में गरीबी आ रही है। हमारे नेता हमको ये समझाते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से देश गरीब हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने से नहीं, लूट होने से ये देश गरीब हो रहा है। जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, हम जब आजाद हुए तो 33 करोड़ थे, अब हम 115 करोड़ हैं, जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी है। जब हम आजाद हुए तो 4 करोड़ गरीब थे, अब 84 करोड़ गरीब हैं। गरीबी 21 गुनी बढ़ी है, जनसंख्या तो 3.5 गुनी बढ़ी है। गरीबी 21 गुनी इसलिए बढ़ी है कि लूट इस देश की 21 गुनी बढ़ी है पिछले 63 साल। अब अंतर इतना ही है, अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाया, सेंट्रल एक्साइज लगाया और लूटा पैसा और लंदन ले गए, और ये काले अंग्रेज भी इसी टैक्स व्यवस्था के माध्यम से लूट रहे हैं पूरे पैसे को और स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था श्री राजीव गांधी। उन्होंने एक बार संसद में ये कहा था, जिसको आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया इस देश में। उन्होंने कहा था कि जब टैक्स का 1 रुपया मैं गरीबों के पास भेजता हूं विकास के लिए तो 15 पैसा ही पहुंचता है, माने 85 पैसा बीच में लूट जाता है। तो पूछा किसी ने संसद में कि कौन लूटता है, तो राजीव गांधी ने बड़े साहस से कहा था, हम लूटते हैं, मन लूटते हैं इस देश के। और तब उन्होंने संसद में कहा था कि अब इस देश की संसद में नेता नहीं दलाल बैठे हैं और मुझे इन दलालों से मुक्त करना है भारत की राजनीति को, ये मेरा संकल्प है। ये राजीव गांधी ने कहा था। लेकिन आप जानते हैं राजीव गांधी को ही मुक्त करा दिया इन्होंने, दलाल तो वही के वही है।
अब राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी संसद में है, उसने एक दिन सनसनी मचा दी ये कहकर कि मेरे पिताजी के जमाने में तो 1 रुपए में से 15 पैसा पहुंच जाता था, अब मेरे जमाने में तो 5 पैसा भी नहीं पहुंचता, 95% लूट हो जाती है। और ये लूट कितनी है अंदाजा लगाना हो आपको तो भारत सरकार का बजट, राज्य सरकारों का बजट और नगर पालिकाओं का बजट तीनों मिला के 20 लाख करोड़ का है साल का। उसमें से 85% अगर लूट रहा है तो 17 लाख करोड़ की लूट हो रही है हर साल, और ये धन जाकर विदेशों में जमा हो रहा है। अब स्विस बैंक एसोसिएशन ने थोड़े दिन पहले एक बात कही कि भारत के भ्रष्टाचारी नेताओं का हमारे यहां 1500 अरब डॉलर जमा है, माने 75 लाख करोड़ रुपए भारत का लूट किया हुआ धन स्विस बैंकों में जमा है। तब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा हुआ है, उस मुकदमे को राम जेठमलानी लड़ रहे हैं, और आज मुझे आपको खुशखबरी देनी है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे को स्वीकार कर लिया है, एडमिट कर लिया है। अब तक तो वो एडमिशन के स्टेज में था ये केस पिछले 6 महीने से, अब वो एडमिट हो गया है कल, और सरकार को जवाब देना है कि ये 75 लाख करोड़ जो जमा है भारत के भ्रष्ट नेताओं का, इसका डिटेल दो सुप्रीम कोर्ट को। अब देखना है कि सरकार क्या करती। इससे भी गंभीर एक बात कि जब ये मुकदमा हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में, उसी समय एक चिट्ठी आई इस देश में जिसने विस्फोट कर दिया। एक दुनिया में बहुत छोटा सा देश है, उसका नाम है लीचेस्टन, बहुत छोटा सा देश, भारत के किसी गांव से भी छोटा। उस देश में भी कुछ ऐसी बैंकें हैं जहां पर घूस का पैसा जमा होता है। तो लीचेस्टन के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी लीक हो गई, अखबारों में छप गई। चिट्ठी में पता है क्या लिखा है? लीचेस्टन का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को कह रहा है कि आपके भ्रष्ट नेताओं का जो खाता हमारे बैंकों में है इसको आप जल्दी बंद करा दो और वापस ले लो ये पैसा, नहीं तो हम इन बैंकों को बंद करने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री की हालत खराब है, करें क्या? अगर लीचेस्टन की सरकार की माने और खाते जब्त करें तो उनकी सरकार जाती है, क्योंकि घूसखोर लुटेरे तो उनके आसपास भी बहुत है, और जो उनकी बात नहीं माने तो वो लीचेस्टन वाले सब खातों को सीज करके पैसे को ले लेंगे। वो चिट्ठी लीक हो गई अखबारों में, तो हमारे जैसे लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि स्विस बैंक के अलावा भी पैसा है बाहर के बैंकों में, वो कितना है? तो उसका अब तक जानकारी मिली है कि 35 लाख करोड़ और जमा है, माने 110 लाख करोड़ लूट का भारत का पैसा विदेशी बैंकों में है। रॉबर्ट क्लाइव ने 300 लाख करोड़ लूटा था आज के हिसाब से, हमारा 110 लाख करोड़ इन काले रॉबर्ट क्लाइवों ने लूट लिया पिछले 63 साल। अब ये धन जमा है और ऐसे ही देश लूटता रहेगा तो गरीबी ही आएगी। अब मैं और एक गहरी बात कहने जा रहा हूं आपसे, अंग्रेजों ने भारत में लूट करने के लिए एक सिस्टम बनाया था, क्योंकि गुलामी जो आई थी ना वो एक सिस्टम से आई थी, और लूट भी हुई थी तो वो एक सिस्टम से हुई थी। सिस्टमैटिक लूट हुई है, ऐसे ही नहीं हुई है हाफेजार्डली, सिस्टमैटिक लूट हुई है। इनकम टैक्स का उन्होंने सिस्टम बनाया, सेंट्रल एक्साइज का सिस्टम बनाया, टोल टैक्स का बनाया, रोड टैक्स का बनाया, ये पूरे सिस्टम को अंग्रेजों ने बनाया लूटने के लिए। दुर्भाग्य से यही सारा का सारा सिस्टम अभी भी चल रहा है इस देश में। और एक बात कहता हूं आपसे, अंग्रेजों ने जो लूट का सिस्टम बनाया इसमें कुछ अधिकारी नियुक्त किए उन्होंने। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था सन 1860 में जिसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इस कानून के आधार पर उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, उसको वो कहते थे कलेक्टर। कलेक्टर का माने जो धन इकट्ठा करे, अंग्रेजी का शब्द है ना COLLECT, कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या धन?
किससे? भारत के लोगों से। तो भारत के लोगों से धन इकट्ठा करके अंग्रेजों के कोष में जमा करे, इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया था कलेक्टर, और उसके लिए कानून था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। आजादी के 63 साल के बाद वही अधिकारी अब डीएम के नाम से पहचाना जाता है, और हरियाणा में उसको डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। वो अंग्रेजों के जमाने का कलेक्टर है, कुछ बदला थोड़ी है हमने। कानून भी वही है, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, उसमें बस इतना ही एक शब्द बदला है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तो लूटने वाला कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर एक कमिश्नर बनाया अंग्रेजों ने, और कमिश्नर शब्द आया है कमीशन से। आपको एक सच्ची जानकारी दे रहा हूं, ये जो कलेक्टर कमिश्नर अधिकारी होते थे ना, अंग्रेज इनको तनख्वाह नहीं देते थे, उनकी लूट के हिस्से में से कमीशन फिक्स होती थी, सैलरी नहीं मिलती थी उनको, लूट के हिस्से से कमीशन मिलता था, इसलिए कमिश्नर बनाया। 5 कलेक्टर के ऊपर एक कमिश्नर होता था, फिर कमिश्नर के ऊपर सेक्रेटरी होता था, पूरा सिस्टम खड़ा किया। कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर होता था, डिप्टी कलेक्टर के नीचे तहसीलदार होता था, तो लूट का पूरा तंत्र अंग्रेजों ने खड़ा किया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो ये कि जिस लूट के तंत्र को अंग्रेजों ने खड़ा किया लूटने के लिए, अगर वही तंत्र आजादी के 63 साल के बाद भी चलेगा तो लूट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। और जिस तंत्र के कारण यह देश गरीब हुआ, आजादी के 63 साल के बाद भी अगर वही तंत्र चलेगा तो गरीबी ही उसमें से पैदा होगी और कुछ पैदा नहीं होगा। ये हमारे देश की मजबूरी है, या कम नसीबी है, या दर्द भरी दास्तान है कि लूट का सिस्टम वैसे का वैसा ही है। अब उस लूट के सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ और सिस्टम बनाए थे, एक जुडिशियल सिस्टम बनाया उन्होंने, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी को लेकर। और उस जुडिशियल सिस्टम के बारे में खुद अंग्रेज कहा करते थे कि कभी भारतवासियों को न्याय नहीं मिले इसके लिए ये है। वही आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी अब चल रहा जो अंग्रेज बना के गए थे। दूसरे कुछ सहयोगी सिस्टम उन्होंने खड़े किए, एजुकेशन सिस्टम बनाया। मैकॉले कहा करता था कि भारत में हमको क्लर्क चाहिए जो अंग्रेज और भारतवासी दोनों के बीच में एजेंट के रूप से स्थापित हो। बहुत होशियार नहीं चाहिए, बहुत तेज नहीं चाहिए, बहुत स्मार्ट नहीं चाहिए, बाबू चाहिए, क्लर्क चाहिए जो इस लूट के सिस्टम को चलाए। उसके लिए शिक्षा लाई उसने, वही क्लर्क बनाने वाली शिक्षा आज तक हम इस देश में ढोते चले आ रहे हैं, इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पे चल रही है मैकॉले शिक्षा। अंग्रेजों ने उस लूट की व्यवस्था को पक्का करने के लिए पुलिस बनाई थी। 1860 में पुलिस एक्ट लाया उन्होंने, जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। वो पुलिस एक्ट आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है। अंग्रेजों ने इस लूट की व्यवस्था को कायम रखने के लिए 34,735 कानून बनाए थे। दुर्भाग्य से वो सारे कानून अभी तक इस देश में चल रहे हैं, लूट की व्यवस्था को ही मजबूत करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं 63 साल से, हम क्या कर रहे हैं कि लूट की इस व्यवस्था को नहीं बदल रहे हैं। लूट करने वाले जो अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि आदि बदल रहे हैं हम, वो नए नए लुटेरे पैदा हो रहे हैं। व्यवस्था नहीं बदली हमने, व्यवस्था को चलाने वाले कुछ नेताओं को बदला। कुछ ऐसी कहानी है कि अंग्रेजों ने जो व्यवस्था की कार बनाई, वो कार हमने नहीं बदली, कार के ड्राइवर को बदलने की कोशिश की पिछले 63 साल। एक बार ड्राइविंग सीट पे पंडित नेहरू को बिठा दिया, दूसरी बार ड्राइविंग सीट पे इंदिरा गांधी को बिठा दिया, फिर राजीव गांधी को बिठा दिया, फिर नरसिम्हा राव को बिठा दिया, फिर मनमोहन सिंह, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और अभी अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े दिन तक थे। कार वही चल रही है अंग्रेजों के जमाने वाली, ड्राइवर बदल रहे हैं, तो होने वाला क्या है? माने व्यवस्था हम वही चलाएं और उस व्यवस्था में लोगों को बदलते जाएं, लोग क्या कर लेंगे जब तक व्यवस्था नहीं बदलेंगे आप?
कितने भी ईमानदार आदमी को आप प्रधानमंत्री बना दो, अगर सिस्टम वही है तो या तो सिस्टम में वो लूट करेगा, नहीं तो वो सिस्टम उसको निकाल के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये सिस्टम लूट को ही पसंद करता है और कुछ पसंद नहीं है इस सिस्टम। आप जानते हैं इस अंग्रेजों के बनाए गए व्यवस्था तंत्र में भारत के कई ईमानदार लोग गए और सिस्टम ने उनको बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो लूट पसंद नहीं थे, सिस्टम ने फेंक दिया उनको बाहर, नहीं चलने दिया। दो नाम तो आपके सामने है, एक थे श्री लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे श्री मुरारजी देसाई। दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो धोती फटी हुई थी उनकी, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की थी, और पता चला कि उनके पास दो ही धोतियां थी और दो ही कुर्ते थे जब वो प्रधानमंत्री बने। तो किसी ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने क्या उनकी धर्मपत्नी ने कहा था अब तो नई धोती ले लो, तो उनका ये कहना था कि करोड़ों भारत के किसान फटी हुई धोती जब तक पहनते रहते हैं, मुझे नई धोती पहनने का अधिकार नहीं। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जब घुसे सिस्टम में, तो सिस्टम ने उनको बर्दाश्त नहीं किया, निकाल के फेंक दिया, मार डाला, हत्या कर दी उनकी। अब तक सारी दुनिया को यह बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी हृदय घात से, और मैं बीसियों साल से ये चिल्ला रहा हूं, मेरी पुरानी कैसेट अगर आप पढ़ सुन लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो मरे नहीं थे, हत्या की गई थी उनकी, मर्डर था। क्योंकि रूस में ताशकंद में जब वो गए पाकिस्तान से समझौता करने के लिए, तो शाम तक वो स्वस्थ थे और रात को अचानक से मर गए। तो भारत में जब रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो ये कहा गया था कि उनको हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक उनको हो नहीं सकता क्योंकि बीपी उनका नॉर्मल था, शुगर उनको थी नहीं, ब्लड प्रेशर उनको था नहीं, हाइपरटेंशन था नहीं, हाइपोटेंशन था नहीं, शुगर थी नहीं, अटैक हो ही नहीं सकता, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल थे। जब वो गए थे तो उस समय उनके सारे चेकअप हुए थे, उसकी रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज है, वो सब मैंने देखी है। वहां तो ये हुआ था कि रात में जब उन्होंने बातचीत पूरी की पाकिस्तान के साथ, तो उनका एक रसोईया उनके साथ रहता था हमेशा, जिसको वो साथ लेके जाते थे, और उनका नियम था कि किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे, वो रसोईये के हाथ का ही खाते थे। उनके रसोईये का ताशकंद में अपहरण हुआ, कुछ लोग उसको पकड़ के ले गए, और उस रसोईये की जगह पर एक दूसरे व्यक्ति को रसोईया बना दिया गया। और शास्त्री जी अक्सर रात को दूध पीते थे, खाना नहीं खाते थे अक्सर, रात का खाना उन्होंने तब से छोड़ा हुआ था जब से अमेरिका के साथ उन्होंने एक समझौता रद्द किया था। अमेरिका से आप जानते हैं लाल रंग का गेहूं आता था पीएल 480 योजना के तहत, शास्त्री जी ने वो गेहूं लेना बंद कर दिया था, तो देश में गेहूं की कमी आ गई थी। तो देश के लोगों को शास्त्री जी ने अपील की थी कि गेहूं की कमी है और मैं अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं नहीं ले सकता, तो सारा देश मेरी मदद करे, सप्ताह में एक दिन लोग व्रत करें, उपवास करें। तो भारत के करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया था। ऐसे थे शास्त्री जी, और जब लोगों को व्रत करवाया तो खुद भी व्रत करते थे, तो शाम का खाना नहीं खाते थे, खाली दूध पी के सोते थे। तो रात को उनके दूध में जहर मिला दिया गया, और किसने मिलाया, नकली रसोईया जो उनका रखा गया, असली रसोईये का अपहरण करके, और उनके असली रसोईये की बाद में हत्या की गई थी। ये सारे सबूत भारत सरकार के पास है, लेकिन सरकार इनको लोगों को बताने से डरती है, क्योंकि उस हत्या में ऐसे कई बड़े लोगों का हाथ है कि जिनके चेहरे खुल जाए तो शक्ल दिखाना मुश्किल हो जाएगा। कारण एक ही था कि सिस्टम में शास्त्री जी फिट नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे, ये सिस्टम ईमानदार लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये लूट का सिस्टम है,
इसमें ईमानदार आदमी रह ही नहीं सकता। और दूसरा उदाहरण मुरारजी देसाई का है, जिनकी सरकार 2.25 साल भी नहीं चल पाई और गिरा दी गई। तो लूट के सिस्टम में तो लुटेरा ही फिट बैठेगा। आप ये जान लो कि इस लूट के सिस्टम में कोई 10 साल 15 साल 20 साल राज कर रहा है तो वो सिस्टम के साथ चल रहा है, इसलिए 15-20 साल राज कर रहा है, क्योंकि सिस्टम लूट रहा है तो वो भी लूट रहा है। बस अंतर इतना है कि उसमें बंदर बांट हो रही है, और सिस्टम के साथ जो अच्छे से बंदर बांट कर लेगा उसी की नौकरी उसी की सिस्टम में डिमांड 15-20 साल तक रहेगी। तो आप समझ लो कोई 5 साल मुख्यमंत्री रह गया, कोई 10 साल, कोई 15 साल। कारण क्या? उसने भी लूटा, सिस्टम को भी दिया, इसलिए रह गया। ईमानदार को तो ये सिस्टम रहने ही नहीं देता। अब हमारे सामने गंभीर प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, वो ये है कि ये लूट की व्यवस्था जैसे चल रही है इसको ऐसे ही चलने दिया जाए, अंग्रेजों ने जो लूट का तंत्र बनाया इसको ऐसे ही बने रहने दिया जाए, और जैसे अब तक लूटा है आगे भी ये देश लूटता रहे। एक तो ये रास्ता है, और हमारे देश में बहुत लोग हैं जो इस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। वो ये कहते तुमको क्या पड़ी है, चलने दो ना जैसे चल। बहुत लोग तो मुझे भी सुझाव देते हैं, तुम भी यार आ जाओ ना इसी सिस्टम में। हाँ, मैं आपको बिना नाम के कहता हूं कि मुझे ऐसे बीसियों ऑफर आ चुके हैं कि हम तुमको एमपी बनाते हैं ना, यहां से टिकट ले लो, तुम भी आ जाओ ना इसमें, राज्यसभा से ले लो, लोकसभा से ले लो, तुम्हारी चॉइस की टिकट ले लो। मैं पूछता हूं फिर क्या? उसने कहा कहीं से भी जीत जाओगे, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। और वो ऑफर यही देते, आ जाओ तुम भी लूटो इसको, हम लूट रहे तुम भी लूटो। और वो लोग पता है मुझे क्या समझाते, वो कहते तुम क्यों परेशान हो रहे हो, व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे। वो तो मुझे इतनी बड़ी फिलॉसफी समझाते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम व्यर्थ क्यों चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे, लगो ना लूटने में तुम भी। हाँ, बहुत बड़ी फिलॉसफी समझाते, और श्री कृष्ण का नाम लेके समझाते कि देखो हम नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवद गीता में कहा है। क्यों व्यर्थ परेशान होते हो, क्यों चिंता करते हो, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, लूट रहा है लूटने दो, आगे लूटेगा और भी लूट अच्छा होगा। तो ऐसी फिलॉसफी के मानने वाले बहुत पाखंडी लोग हैं इस देश में, कुछ सफेद कपड़ों में है, कुछ भगवे कपड़ों में। हाँ, बड़े बड़े लुटेरे हैं। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, ये कठोर बात है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं भगवे कपड़ों में, जो एक एक शहर से 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ लूट ले जाते हैं। कोई राम कथा कह के, कोई कृष्ण कथा कह के, कोई कथा कह के, कोई कथा कह के, और फिर उस पैसे को ब्याज पे चलाते हैं। ऐसे हरामी लोग मैंने देखे हैं मेरी आंखों से, ब्याज पे चलाते हैं उस पैसे, बाजार में उनका पैसा ब्याज पे घूमता है, आपसे वो पैसा इकट्ठा करते हैं, आरती उतारते हैं, आप उनके चरणों का पानी धोके पीते हैं और उनकी आरती की थाली में आप डालते हैं, वो करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। राम की कथा कहते हैं, राम के वन गमन का वर्णन करते हैं और उनके दुखों का वर्णन करते हैं, और ऐसे दुख का वर्णन, ढल 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 आंसू बहते हैं उनके आंख से। मैंने देखा है, राम के दुखों का वर्णन करते हैं, राम को कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ, नंगे पांव चले, ऐसे हुआ वैसे हुआ, और उस वर्णन में आप भी रोते हैं वो भी रोते हैं, लेकिन ये सारा खेल एयर कंडीशनर मंच पे चलता है। राम के दुखों का वर्णन करने के लिए एयर कंडीशनर मंच लगता है,
एयर कंडीशन्ड कार लगती है, एयर कंडीशन्ड घर लगता है, एयर कंडीशन्ड चार्टेड फ्लाइट लगती है, तब राम के दुखों का वर्णन होता है। और एक एक शहर से 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ लूटते हैं। आप उन्हें पूज्य कहते हैं, मैं उनको छोटा रॉबर्ट क्लाइव कहता हूं। तो नेता ही नहीं लूट रहे हैं, अधिकारी भी नहीं लूट रहे, और भी ऐसे लोग, और लूट ही नहीं रहे। मेरे जैसे लोगों को कह रहे हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते थे, क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, तुम तो ये कंठी माला ले लो, राम 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 राम, राधे 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 राधे, बस और कुछ नहीं, तुम्हारा कल्याण, देश का कल्याण, राधे 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 राधे, राम राम, बस हो गया। ऐसे लोग हमको निकम्मा बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं, प्रमादी बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, फैले हुए हैं पूरे देश में। तो एक तो ये है रास्ता कि तुम क्या चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी होगा और अच्छा होगा, तो तुम भी लग जाओ इसी लूट में। और एक दूसरा रास्ता है, वो दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है, कठोर है, वो भगत सिंह वाला रास्ता है, ऊधम सिंह वाला रास्ता है, चंद्रशेखर वाला रास्ता है, आशफाक उल्ला वाला रास्ता है, महात्मा गांधी का रास्ता है, लोकमान्य तिलक का रास्ता है। और वो कहा करते थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है, अंग्रेज लूट रहे हैं, तो इस लूट को बंद कराना है और अंग्रेजों को भारत से मार के भगाना है, एक दूसरा रास्ता है। अब भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को मारकर भगाया, तो हमारे पास एक दूसरा विकल्प है कि हम इन काले अंग्रेजों को इस देश से मारकर भगाएं, तभी इस देश में इस लूट की व्यवस्था को बंद किया जा सके। मुझे दुख और तकलीफ इस बात की है कि मैं अगर हिसार में आऊं और आपसे ये कहूं कि मुझे हिसार के किसी म्यूनिसिपल स्कूल में चपरासी बना दो, तो आप कहोगे राजीव भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और मैं कहूं मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप मुझे म्यूनिसिपल स्कूल का चपरासी भी नहीं बनाओगे। और कल को मैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बन के आ गया, तब क्या करोगे? उसी जीरो क्वालिफिकेशन पर मैं हरियाणा का अगर चीफ मिनिस्टर बनकर आया, तो आप मेरे गले को मालाओं से लाद दोगे और जिंदाबाद इतनी करोगे तो सारा शहर बहरा हो जाए। ये विडंबना है हमारे देश की। जिस व्यक्ति को मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर किसी स्कूल का चपरासी नहीं बनाया जा सकता, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है। विडंबना इस देश की पता है क्या है? जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी खेत में हल नहीं जोता, वो कृषि मंत्री। सालों साल इस देश में शिक्षा मंत्री ऐसे लोग रहे जो कभी स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए। मैं बस नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी आपको सब पता है। इस देश में एक व्यक्ति ने जिंदगी में कभी चाय की दुकान नहीं चलाई, वो देश का वर्षों वर्षों वाणिज्य मंत्री रहा, जिसने दुकान नहीं चलाई कभी। फाइनेंस का जिसको ABCD नहीं आता, वो सालों साल इस देश में वित्त मंत्री रहता है। जिसने कभी अपने बेटे और बेटियों को भारत की सेना के लिए भेजा नहीं कुर्बान होने को, वो देश का रक्षा मंत्री हो सकता है। और जिसको अपनी रक्षा करने के लिए सैकड़ों जवान लगते हैं, वो देश की क्या रक्षा करेगा, सोचो आप। जिस व्यक्ति को जिंदगी में कभी विज्ञान और तकनीकी का अंतर पता नहीं है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का मंत्री हो सकता है। और जिसको इनमें से कुछ भी पता नहीं है, वो प्रधानमंत्री हो सकता है इस देश। ये विडंबना है हमारे देश की। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानियों पर शासन कर सकता है, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि अज्ञानी व्यक्ति जब ज्ञानियों पर शासन करे, तो समझ लेना देश और समाज का बंटाधार ही होना है। हमारे देश में यही हो रहा है। हर अज्ञानी, ऐरा गैरा, नत्थू खैरा,
जो किसी नेता की चप्पलें उठाता था, जो किसी के जूतों में पॉलिश करता था, जिसने कभी किसी नेता के घर में रोटियां बना के खिलाई, वो राष्ट्रपति पद तक लोग पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश, उनकी क्वालिफिकेशन ही एक है कि कभी किसी बड़े नेता के रसोई में रोटियां बना के खिलाई तो राष्ट्रपति हो जाओ भैया। ऐसी बंदर बांट मची है इस देश में, और ये उस देश में जिसकी आजादी के लिए 7,32,000 लोग कुर्बान हुए हैं, उस देश में। मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। अभी एक सच्ची घटना मेरे साथ घटित हुई। मैं एक दिन कानपुर गया था भारत स्वाभिमान की सभा के लिए, तो कानपुर के रेलवे स्टेशन पे उतरा। उतरने के बाद शहर में बाहर आने के लिए नीचे पुल पर से उतर के आया तो एक छोटी सी चाय की दुकान थी, उस पर एक बेटी और एक माँ और एक छोटा सा बेटा आपस में बात कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे, माँ हम गरीब क्यों हैं? तो कान में मेरे शब्द पड़ गए। मैंने कहा, ये इस तरह का प्रश्न कोई अपनी माँ से पूछे तो मुझे लगा ये कोई साधारण लोग नहीं है, कुछ तो इनमें असाधारणपन है, चल के पूछा जाए कौन लोग हैं, परिचय लिया जाए। तो मैं गया उस दुकान पे, मैंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तात्या टोपे के परिवार के लोग। हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचनी पड़ी और गद्दारों को सिंहासन मिले, ऐसा ये देश हो गया। जिन लोगों ने तात्या टोपे को मरवाया था वो इस देश में मुख्यमंत्री रह चुके, आपको मालूम है, और एक एक राज्य के नहीं दो दो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके। तात्या टोपे का गुप्त पता जिन गद्दारों ने अंग्रेजों को बताया था, उस खानदान के कई लोग इस देश में मंत्री रह चुके हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने मरवाया था वो इस देश में मंत्री रह चुके हैं, और तात्या टोपे जिन्होंने जवानी लगा दी देश के लिए, उनके परिवार के लोग चाय बेच रहे हैं। ये देश है, और ये अब बर्दाश्त नहीं होता, और ये बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए किसी को। क्यों बर्दाश्त होना चाहिए? ऐसा देश तो हमने कल्पना कभी की नहीं थी, तात्या टोपे ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा देश बनेगा, झांसी की रानी की कभी कल्पना नहीं थी, चंद्रशेखर की कल्पना नहीं थी। चंद्रशेखर जैसे क्रांतिवीर ने इस देश की क्या कल्पना की होगी। एक कहानी सुनाता हूं कि वो घर से भाग गए थे 13 साल की उम्र में। माता पिता बहुत गरीब थे, खाने को घर में नहीं था, घर छोड़कर भाग गए, बनारस आ गए, क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए, और उसी संगठन ने थोड़े दिन के बाद काकोरी कांड किया था और खजाना लूटा था, तो धन आ गया, थोड़ा सा पैसा आ गया। तो चंद्रशेखर को उनकी माँ और पिता का संदेश आया कि जो पैसा तुम्हारे पास आया है इसमें से कुछ हमें भी दे दो, हमारी गरीबी में काम आएगा। तो चंद्रशेखर अपने माता पिता के पास गए थे और एक ही उत्तर दिया था कि मेरी रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, पैसे तो दे नहीं सकता, ये दोनों गोलियां दे सकता हूं। ऐसा देश चंद्रशेखर का, ऐसा देश तात्या टोपे का अब लुट रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि अब फिर कोई दूसरी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। एक लड़ाई उन्होंने लड़ी, तात्या टोपे ने, झांसी की रानी ने, चंद्रशेखर ने, अब दूसरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, इसके बिना कोई रास्ता नहीं। और ये दूसरी लड़ाई का ही अभियान है जिसको हम भारत स्वाभिमान कहते हैं। इस भारत स्वाभिमान के अभियान का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है शहीदों के सपनों का भारत बनाना।
शोषण मुक्त भारत बनाना, लूट मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, ऐसा भारत बनाना जो फिर से समृद्धशाली बने, फिर से संपत्तिशाली बने, उसके लिए ये अभियान है। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है, इतने लुटेरों के हाथ में ये देश है, क्या वो आसानी से इस देश को छोड़ देंगे? जो लूट रहे हैं, जिनके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, क्या वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? वो आसानी से देश को छोड़ेंगे नहीं लूटना, और वो आसानी से मानेंगे भी नहीं। उनको तो छुड़वाना पड़ेगा वैसे ही जैसे अंग्रेजों से हमने देश को छुड़वाया था। कोई लुटेरा अपनी इच्छा से देश को नहीं छोड़ेगा लूटना, कोई लुटेरा अपनी इच्छा से बंद नहीं करेगा देश को लूटना। उनको तो मजबूर करना पड़ेगा कि वो इस लूट को छोड़े और इस देश को छोड़े। तो कैसे होगा? वो होगा संगठन की ताकत से। आज हमारी ताकत कम है। भारत स्वाभिमान के सारे देश में करीब 2.5 लाख शिक्षक हैं, जो हमारी ताकत है। कल को ये 5 लाख होंगे, फिर 7 लाख होंगे, फिर 11 लाख होंगे, फिर 50 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़, 5 करोड़। जिस दिन हमारी ताकत लुटेरों की ताकत से बड़ी हो जाएगी, उसी दिन इन लुटेरों के हाथ से इस देश को छीन लेंगे, और जो ईमानदार चरित्रवान लोग हैं उनके हाथ में देश को सौंप देंगे। आप बोलेंगे वो संभव है। वो संभव ऐसे है कि हमारे देश में एक लोकतंत्र नाम की व्यवस्था चलती है, और दुर्भाग्य या सौभाग्य इस लोकतंत्र में वही काबिज होता है, वही हावी होता है जिसकी ताकत होती है, और ताकत जो है वो लोगों से गिनी जाती है। लोगों की ताकत जिनके पास है, लोगों की शक्ति जिनके पास है, सारा तंत्र उनके लिए है। अभी मैंने एक दिन सोचा कि भारत की सब राजनीतिक पार्टियां जो लूट में शामिल हैं इस देश में, इनकी कुल ताकत का पता लगाओ। तो मैंने 48 पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, राष्ट्रवादी जनता दल, CPM, CPI, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सबके सदस्यों की संख्या गिनना शुरू किया, तो पता चला कि इन सबके पास कुल मिला के 4 करोड़ सदस्य हैं, जिनकी ताकत पर ये देश को लूट रहे हैं। कुछ सदस्य एक पार्टी के पास, कुछ दूसरे के पास, कुछ तीसरे के पास, तो 4 करोड़ सदस्यों की ताकत पर वो देश को लूट रहे हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आई। तब हमने तय किया कि हमारी ताकत जिस दिन 5 करोड़ सदस्यों की हो जाएगी, उसी दिन इनकी लूट को हम बंद करा देंगे और ये देश को इनसे मुक्त करा देंगे। अब हमको सारे देश में 5 करोड़ लोग चाहिए जो इस अभियान के साथ जुड़े, और ये 5 करोड़ लोग अगर हमारे अभियान से जुड़ते हैं तो 50 करोड़ लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है। क्योंकि भारत में ऐसा माना गया है कि एक व्यक्ति अगर किसी अभियान से जुड़ गया तो वो 10 लोगों को प्रभावित करता है, घर परिवार और पड़ोस के। तो 50 करोड़ लोगों का परोक्ष समर्थन मिले, 5 करोड़ लोगों का प्रत्यक्ष समर्थन मिले, इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबका इसमें सहयोग चाहिए। आप बोलेंगे जी हम क्या सहयोग कर सकते हैं? आप भारत स्वाभिमान के सदस्य बन सकते हैं, हमारी 5 करोड़ की संख्या को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं, और दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करके हमारे इस अभियान में जोड़ सकते हैं। तो आपसे यही मदद की अपेक्षा है। आप ये मदद करेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, अगले 4 साल में हम 5 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को इस काम में जोड़ लेंगे। आपकी भावना को ध्यान में रख के मैं ये कह रहा हूं। हो सकता है हम 5 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, लेकिन अगले 4 साल में 10 करोड़ भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं तो जब देश में घूमता हूं तो देखता हूं कि लोग तो तैयार बैठे हैं, कोई उनको चाहिए जो राह दिखाने वाला हो और उनकी भावना को निस्वार्थ भाव से तौलने वाला हो। लोग तो तैयार बैठे। मैंने तो इस देश में देखा है लोग इतने ज्यादा तैयार बैठे हैं इस काम के लिए, वो कहते हैं कोई हमारे पास आए, इस देश में क्रांतिकारियों का समर्थन करने वालों की और क्रांतिकारियों का सहयोग करने वालों की कोई कमी नहीं है। जब अंग्रेजों का शासन चलता था, जब सारे कठोर कानून लागू थे, तब भारत के लोग क्रांतिकारियों की मदद करने में पीछे नहीं हटे, तो अभी भी नहीं हटेंगे, ये तो पक्का है। मैं तो हैरान हो जाता हूं ये सुनकर और जानकर कि महात्मा गांधी को आखिरी क्रांतिकारी माने और
स्वामी दयानंद सरस्वती को प्रथम क्रांतिकारी हम माने, तो इस पीरियड में स्वामी दयानंद सरस्वती से लेके महात्मा गांधी के बीच में 480 करोड़ रुपए लोगों ने दान किया था आजादी लाने के लिए, और उस समय का एक रुपया आज के 300 रुपए के बराबर है। तो इसका मतलब लोगों ने समर्थन दिया था, सहयोग दिया था, तभी तो इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का। 1857 का स्वाधीनता संग्राम 350 जिलों में हुआ था, और 350 जिलों में 4.25 करोड़ लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। अब 4.25 करोड़ लोग अगर लड़ाई लड़ रहे थे, तो अगर एक एक के हाथ में एक एक तलवार एक एक हसिया भी मान लो, तो एक एक तलवार एक एक हसिया को बनाने के लिए 1 से 1.5 किलो लोहा लगता है, तो 4.25 करोड़ तलवारें बनाने के लिए कितना मीट्रिक टन लोहा लगा होगा, और कितना मीट्रिक टन लोहा गला होगा, और कितने मीट्रिक टन लोहे को गलाने के लिए कितनी भट्टियां चली होंगी, और कितने कारीगरों ने रात दिन मेहनत करके वो तलवारें बनाई होंगी क्रांतिकारियों को देने के लिए। मतलब देश तो उस समय भी खड़ा था क्रांतिकारियों के साथ में। तो हमें भरोसा है देश आज भी खड़ा होगा ऐसे लोगों के साथ में जो इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको कभी भगत सिंह, उधम सिंह आदि ने बढ़ाया था कि भारत से सिर्फ अंग्रेजों को नहीं भगाना है, अंग्रेजियत को भगाना है। हमारे तो क्रांतिकारियों के सामने भी ये विकल्प था। अंग्रेजों ने आपको मालूम है ऑफर किया था कि ये जो सत्ता चल रही है इसमें हमारे साथ शामिल हो जाओ, तुम भी लूटो हम भी लूटे। सारे क्रांतिकारियों ने साफ मना किया था कि इस लूट की व्यवस्था में हमें शामिल नहीं होना, हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। और जिस क्रांतिकारी ने ये बात सबसे पहले कही थी ना, उन्हीं का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको मालूम है उनके जीवन की विडंबना क्या थी, उनको आईसीएस की नौकरी में सेलेक्ट होना पड़ा उनके पिताजी की इच्छा की पूर्ति के लिए। पिताजी चाहते थे कि बेटा मेरा कलेक्टर बने, और बेटे को बार बार वो ताना मारते थे कि तू बन नहीं सकता, तेरी होशियारी कम है, तेरे पास तैयारी नहीं है, इसलिए बहाना बनाता रहता है। तो बेटे ने अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए परीक्षा दी आईसीएस की, और उस जमाने में आईसीएस की परीक्षा देने के लिए 4-4 साल लोग पढ़ाई करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ 7 महीने पढ़ाई की थी, और उतनी पढ़ाई में उन्होंने आईसीएस के टॉपर की लिस्ट में 4th पोजीशन पाई थी। उस जमाने में आईसीएस टॉप करना किसी भारतीय लड़के के लिए तो संभव ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज टॉप किया करते थे उस परीक्षा। वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको 4th स्थान मिला टॉपर लिस्ट में। बड़ी मजेदार घटना है, वो लंदन गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होके आईसीएस में बैठे थे। तो जिस दिन रिजल्ट आया ना, तो उनके सहयोगी गए थे रिजल्ट देखने के लिए, वो नहीं गए। तो उनके सहयोगियों ने नाम देखा तो कहीं नहीं मिला, तो उनको आके कहा कि तुम तो पास ही नहीं हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पास नहीं हुए। शाम को सेक्रेटरी आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आया कि तुम्हारा नाम पास होने वालों में नहीं है, टॉपर वाली लिस्ट में है, और वो लिस्ट अभी तक लगी नहीं। अब सुभाष चंद्र बोस को दुविधा हो गई कि मैं तो आईसीएस हो गया, अब मुझे कलेक्टर होना पड़ेगा, कलेक्टर माने लूटना पड़ेगा, लूट का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो उनके मन में ये घमासान शुरू हुआ कि मैं इस लूट में शामिल हो जाऊं या लूट की व्यवस्था के बाहर निकलकर देश के लिए काम करूं। अंत में उनके दिल ने कहा कि तुमको तो लूट में शामिल होना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जन्म इसके लिए हुआ नहीं है। उन्होंने नौकरी को रिजाइन किया। जब उन्होंने इस्तीफा लिखा था तो ब्रिटिश सिस्टम में हड़कंप मच गया था, क्योंकि भारत में कई लड़के पहले आईसीएस बन चुके थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई थी इस्तीफा देने की। उन्होंने दिया, और इस्तीफे में जब उन्होंने लिखा तो यही लिखा था कि इस तंत्र में मैं शामिल इसलिए नहीं हो सकता कि मेरी भारत माता की लूट के लिए ये तंत्र बना है, और मैं मेरे देश को लूटूं ये मेरा दिल मुझे गवाही नहीं देता, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं। रिजाइन किया, बोरिया बिस्तर समेट के भारत वापस आ गए। पिताजी के दिल पर वज्रपात हो गया कि बेटे ने आईसीएस को लात मार दी।
तो बेटे ने पिता को समझाया कि इस नौकरी में तो मैं लात ही मारूंगा हर बार, जब तक भारत को लूटने की व्यवस्था ये करेगा तंत्र, तब तक मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने आईसीएस को छोड़ा, और जैसे ही आईसीएस छोड़ी उन्होंने तो सारा देश उनके लिए खड़ा हो गया। जब वो लंदन से वापस आए थे ना, उस समय पानी के जहाज चला करते थे, बंबई में उतरे थे, जो हुजूम बंबई में निकला था गजब के लोग थे। तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि अब तो भारत आजाद हो जाएगा, क्यों, जब मुझे समर्थन देने के लिए इतने लोग भारत में हैं, तो मैं जब गांव गांव जाऊंगा तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे। उसी कॉन्फिडेंस से, उसी आश्वासन पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, वो भी भारत से बाहर जाके। और जब फौज बनाई थी तो माताओं ने अपने मंगल सूत्र उतार के उनको दान किए थे। एक माँ उनके पास आई थी अपने अंधे बेटे को लेके कि इसको फौज में ले लो, तो उन्होंने कहा इसको तो दिखाई नहीं देता। तो बेटे ने क्या कहा कि दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आपकी फौज में आ जाऊंगा तो दुश्मन की एक गोली तो कम कर ही दूंगा। ऐसा उत्साह, इतना समर्थन, तो मुझे तो यही भरोसा होता है कि उस जमाने में अगर इतना उत्साह और समर्थन मिला देश के क्रांतिकारियों को, तो आज क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक बार हम लोगों के पास जाए तो सही। मेरे मन में तो एक ही बात रहती है, इस देश के लोगों ने दिया ही दिया है, लेकिन कोई लेने वाला पात्र होना चाहिए। लेने वाला जब अपनी पात्रता सिद्ध करता है तो भारत के लोग देने में कभी पीछे नहीं हटते। तो भारत स्वाभिमान अभियान अपनी पात्रता सिद्ध करेगा आपके सामने, आप इसको भी भरपूर समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए, सदस्य के रूप में सहयोग दीजिए। और इस स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान की पात्रता क्या है, इसकी सबसे बड़ी पात्रता ये है कि इस पूरे अभियान की बागडोर एक सन्यासी के हाथ में, और आप जानते हैं सन्यासी का अपना कुछ नहीं होता, उसका सब कुछ देश और समाज के लिए होता है, क्योंकि उसने तो सन्यास ही देश और समाज के लिए लिया हुआ होता है। तो एक सन्यासी के हाथ में बागडोर है, इसलिए आप इस अभियान को तन मन धन से सब तरह से समर्थन करिए, जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी क्षमता है, और दूसरों से भी सहयोग कराइए। उसके पहले कदम के रूप में आप इसके सदस्य बन जाइए। एक फॉर्म ये है, बाहर आप जाएंगे तो स्टॉल पे है, इसको ले लीजिए, भर के दे दीजिए, नाम पता फोन नंबर, और इस फॉर्म को जब आप जमा करेंगे तो 1100 रुपए का दान है विशेष सदस्य का, 51 रुपए का दान है साधारण सदस्य का। जो आपकी शक्ति में है वो आप कर लीजिए। 51 रुपए का दान देके साधारण सदस्य हो सकते हैं, 1100 का देके विशेष हो सकते हैं। ये जो आप दान करेंगे ये भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में जमा होगा, और ये दान के पैसे से ही ये लड़ाई हमें लड़नी है। जब भी बाजार जाएं तो स्वदेशी वस्तुएं ही खरीद कर लाइए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए, और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ विदेशी भाषा का भी बहिष्कार करना है, विदेशी भूषा का भी बहिष्कार करना है, विदेशी भोजन का भी बहिष्कार करना है, विदेशी भजन का भी बहिष्कार करना है, विदेशी भेषज का भी बहिष्कार करना है, भेषज माने औषधि, उसका भी बहिष्कार करना, विदेशी औषधि माने एलोपैथी, उसका बहिष्कार करें, और आयुर्वेदिक दवाओं से अपना इलाज करें, योग और प्राणायाम से अपना इलाज करें, विदेशी भोजन माने पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग, इसका बहिष्कार करें, अपने देशी भोजन को उपयोग में लाएं, विदेशी भाषा माने अंग्रेजी का बहिष्कार करें, हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम मराठी आदि आदि भाषाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और सम्मान करें। हर स्तर पर हमें स्वदेशी होना है, ये व्यक्तिगत जीवन में, और राष्ट्रीय जीवन में अंग्रेजों के बनाए हुए कानून और तंत्र को बदलना है। तो एक काम राष्ट्रीय स्तर पर करना है, दूसरा काम अपने व्यक्ति स्तर पर करना है। व्यक्ति स्तर पर हम बदले, राष्ट्र स्तर पर देश बदले, इन्हीं दोनों के बदल से संपूर्ण होगा हमारा ये अभियान, जिसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इसमें आइए, शामिल हो जाइए। अभी अगर आप शामिल हुए तो भविष्य में आपका नाम भी इतिहास में दर्ज होगा, और शामिल नहीं हुए तो भविष्य में आपके बच्चे आपसे पूछेंगे
कि भारत स्वाभिमान जब चल रहा था तो तुम कहां थे, तो शर्म से आप उनको मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, अफसोस ना करना पड़े कभी अपने बच्चों के सामने, इसके लिए भी आप इस अभियान में जुड़ जाइए। बहुत पवित्र अभियान है, सन्यासी के हाथ में इसकी कमान है, और वो सन्यासी ने ठोक ठोक के लोगों को इकट्ठा किया है अपने नजदीक में, पूरी पवित्रता वाले लोग ही उन्होंने अपने पास आसपास लाए हैं। कोई नेताओं की फौज नहीं बन रही है, तपस्वियों और ब्रह्मचारियों की फौज खड़ी हो रही है जो इस अभियान को लीड कर रही है। इसलिए इस अभियान की पवित्रता की गारंटी है और इसकी शुचिता की भी गारंटी है। आप सब सहयोग करें, आपका प्यार मिले, इसी भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मेरी कुछ बातों ने अगर आपको बहुत ज्यादा भावनात्मक बनाया हो, इमोशनल बनाया हो, तो मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मैं खुद इमोशनल हो गया तो शायद आप भी हो गए होंगे। परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे कह रखा है, इमोशनल होना नहीं और दोनों को, सामने वालों को इमोशनल करना नहीं। तो मुझसे अगर ये गलती हुई है तो मुझे क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। मैं आप सबसे इस उम्मीद के साथ वापस जाना चाहता हूं कि अगली बार अगर मैं हिसार में आऊं तो ये सभागार छोटा पड़े सभा करने के लिए, ऐसी एक बड़ी सभा हो जिसमें यहाँ के लोग किसी मैदान में न समा पाए, इतने सदस्य हमारे पास हो जाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा भारत माता की, आप सब बोलेंगे जय।